डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेरी हैप्पी टू रिटर्न बैक टू DUET। मुझे पता है आप सभी वेट कर रहे हैं, 3 साल के क्वेश्चन बचे हुए हैं। आज हम लोग 2019 के पेपर को एनालाइज करेंगे विथ लॉट्स ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स फॉर द एग्जाम, और फिर जो बचे हुए 1-2 ईयर के हैं। लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, और भी हेल्प करूंगा। मेरे पास में कुछ और पेपर हैं जिसको सेट कह सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के, और वो भी उसमें भी वैसे तो क्वेश्चन उसमें थोड़े हायर लेवल के, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन उसमें DUET से आपको आ सकता है। और मैंने ये भी कोशिश मैं कर रहा हूँ कि लास्ट मिनट प्रेप गाइड जैसे पिछली बार निकाला था, जो बहुत हेल्प किया था स्टूडेंट को, वो भी निकाले, जिसमें कि पास 3-4 ईयर पेपर का डीप एनालिसिस हो और कुछ इस टाइप के टॉपिक्स पे आपको जल्दी जल्दी क्विक रिविजन 1-2 दिनों में हो। सो लेट अस बिगिन 2019 पेपर एनालिसिस विथ लॉट्स ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स। ये यूजफुल होगा UGC NET, जो अभी पार्ट 2 होने वाला है, और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम जहां पे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पॉल साइंस से पूछे जाते हैं। लेट अस बिगिन। देखिए, कई स्टूडेंट अभी भी कह रहे हैं कि सर CUET हो गया, लेकिन CUET बहुत डिफरेंट था, आप DUET का तैयारी कैसे करें ये बताइए। इसलिए ये स्लाइड मैंने रखा है। इसकी जो सिलेबस है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ध्यान रखिए। ये कहता है कि जो मैंने DU की सिलेबस आपको CBCS सिलेबस दी है, CBCS, हम उसी से पूछेंगे। एकदम स्पष्ट है, पहला तो बात ये है। और ये इसलिए आसान है कि आप सभी ने जो है CBCS सिलेबस मोर और लेस पढ़ा है, चाहे आप इवन इग्नू से करें, SOL से करें, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, CBCS के मोस्ट ऑफ द पार्ट आपने जो है पढ़े हुए हैं। और वही मैंने अपने कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो है मेरे चैनल पे है, उसमें हर थीम को, ऑफकोर्स 1-2 थीम छूटा होगा, मैंने उसको एनालाइज किया है या एक्सप्लेन किया है। यदि आप उसको अभी भी देखेंगे तो DUET के लिए आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाएगी, अपार्ट फ्रॉम की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या टेस्ट पेपर से जो हम लास्ट मोमेंट में तैयारी करते हैं। उसके अलावा बेस भी आपका तैयार हो सकता है, नॉट ओनली फॉर DUET बट सिविल सर्विस एग्जाम और किसी भी अन्य एग्जाम के लिए। तो इसका पहला जो मैं बोलूंगा कि आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यदि आपको थोड़ी बहुत चाहिए तो वो मेरे वीडियो को फिर से एक बार जल्दी जल्दी बढ़ा बढ़ा के देख लीजिए। वैसे DUET एक फैक्चुअल बेस्ट टेस्ट होता है, इसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। इन्फॉर्मेशन जो है वो एक तरह से रट्टा मारना, इसको बोलते हैं रोट लर्निंग, उस पर बेस्ड होता है। तो आप चाहे तो उसको छोड़ भी सकते हैं, और इंटायरली जो है आप 2 सोर्सेज से तैयारी कर सकते हैं। एक है कि एग्जाम गाइड फॉर एंट्रेंस टेस्ट, मैंने ये दिया है, अमेजन पे अवेलेबल है, किंडल पे आप पढ़ सकते हैं, जिसमें कि बेस्ट जो वे में जो इन्फॉर्मेशन अरेंज हो सकते हैं DUET के लिए, वो पूरे CBCS सिलेबस को दिया गया है और 500 क्वेश्चन भी हैं। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस है, वो इस बार मैंने 4 मंथ की एक टेस्ट ग्रुप जो बनाया था, जो एक मेंबरशिप ग्रुप था, उनको जो टेस्ट एडमिनिस्टर कराया था मैंने, तो वहाँ पे खुद एक्सप्लेन भी किया था। यदि आप उसको नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो जो बेस्ट आपके पास में सेकंड बेस्ट ऑप्शन है कि ये 1500 MCQ, और ये मोस्ट यूजफुल होगा यदि आप तेजी से प्रिपेयर करना चाहें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगेन आपको इसी से आएगा। ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि उसमें सारे वो क्वेश्चन हैं जो आने चाहिए, उससे रिलेटेड थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं ऐसे, लेकिन आपको काफ़ी क्वेश्चन इससे आ जाएंगे। अब तीसरी मैं टिप्स आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, DUET एक इस टाइप का एग्जाम है, थोड़ा आसान है, CUET जैसा ही है। उसके एग्जाम प्रिपरेशन भी इसी 2 गाइड से आप आराम से कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। इसको 8 से 10 बार रिवाइज आपको करनी चाहिए अभी से लगातार, और जो PYQ है उसको रोज ही एक PYQ आपको सॉल्व करना चाहिए। ये मेरी एडवाइस है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम में बताता हूँ कि इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, मान लीजिए 100, अब निगेटिव मार्किंग छोड़ दीजिए, 100 क्वेश्चन की और बात कीजिए। तो आप यदि इन दोनों को ठीक से रिवाइज करते हैं और आपका बेस थोड़ा बहुत भी ठीक है CBCS में, तो आप 65-70 क्वेश्चन जरूर जानेंगे एग्जाम में, इतने क्वेश्चन आप बना लेंगे। रेस्ट जो 30-35 क्वेश्चन है, वो अगेन उस पर डिपेंड करेगा कि आपने ये सीखा है कि नहीं कि एलिमिनेट कैसे करते हैं, कैसे 50-50 गेम खेलते हैं, कैसे गट फीलिंग को यूज करते हैं, कैसे जब 2 में फंस जाते हैं तो 1 को कैसे हम सही पहचान लेते हैं। मतलब आपका वहाँ नेचर, एप्टीट्यूड एंड प्रैक्टिस जो है और सबकॉन्शियस ब्रेन में वो काम आएगा, और वही जो है मेक एंड ब्रेक होगा कि आप कैसा रैंक लाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। ये इसलिए मैं बताता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती ये करते हैं कि वो 100% क्वेश्चन की तैयारी करने की कोशिश करते हैं कि मैं जाऊँ एग्जाम में मुझे 90 या 95 क्वेश्चन आता रहो। यदि आप ऐसा करेंगे, 5 साल भी तैयारी करेंगे तब भी नहीं होगा। आप सभी ह्यूमन की लिमिटेशन समझिए, आप 65-70% ही क्वेश्चन की तैयारी करके जा सकते हैं। बाकी आपके जो वो टेक्निक होता है क्वेश्चन को हैंडल करने का, जो आप लर्न करते हैं, जो इतना मैं बता रहा हूँ, और आपका जो वाइडर स्टडी होता है वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में कहीं ना कहीं होता है, 6th सेंस, उसी से आप रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चाहे DUET हो, चाहे सिविल सर्विस प्रीलिम्स हो, चाहे कोई भी हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर का चलिए दौर शुरू करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा इस लेवल से किया है कि यदि रेड है तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ग्रीन है तो इजी क्वेश्चन है, वायलेट है तो मीडियम है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन पे। कई डिफिकल्ट जो यहाँ पे मार्क किए गए हैं वो उन स्टूडेंट को ध्यान में रख के जो जनरल स्टूडेंट है, आपके लिए हो सकता है वो आसान हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू राजा राम मोहन रॉय। ये क्वेश्चन ने बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट किया है पिछली बार से अभी तक, क्योंकि मैंने अपने एग्जाम गाइड में भी जो है जो लिखा था उससे भी स्टूडेंट को काफ़ी कंफ्यूजन हुई है। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत सही है। ये क्या कह रहा है कि विथ रिगार्ड टू राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय किस में बिलीव करते थे? यदि आप देखें तो, यदि आप डीपर देखेंगे तो केवल वो वन सुप्रीम यूनिवर्सल बीइंग में बिलीव करते थे, लेकिन जो एग्जिस्टेंस ऑफ सोल और बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ है, उनका ये कहना था कि यूनिटी इन रिलीजन है। कोई भी रिलीजन को ले लीजिए, उसमें तीन बातें हमेशा दिखती है, 1, 2, 3, उनका ये कहना था हर रिलीजन में, मेजर रिलीजन में। लेकिन उनका जो अपना पर्सनल जो थॉट था, जो ब्रह्म समाज में भी झलकता है, वो इन दोनों में लगता है कि बिलीव नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। वैसे मैं कह रहा हूँ कि और आप इस पर रिसर्च कीजिए, लेकिन यदि ये क्वेश्चन आता है तो गो विथ टू। Which of the following books described state power in India as occupying a continuum with centralization and concentration at one hand? एक इनमें तो केंद्रीकरण है और दूसरे में विकेंद्रीकरण और प्लुरलिज्म। ये जो कंट्रास्ट है, इसी तरह कंट्रास्ट, ये बेसिकली जो है ये रूडोल्फ और रूडोल्फ ने कहा है, उन्होंने बहुत सारे कंट्रास्ट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में देखा और महसूस किया। जैसे कि एक है कमांड और डिमांड इकोनॉमी, मतलब कमांड इकोनॉमी मतलब कि ऊपर में बैठ के कोई टॉप डाउन प्लानिंग करता है, लाइक प्लानिंग कमीशन। और डिमांड इकोनॉमी वो है जहाँ पे कि ग्रास रूट लेवल से जो डिमांड आती है उसको जो है ऊपर से लीडरशिप उसको पूरा करने की कोशिश करता है। तो इस तरह का उन्होंने काफ़ी, जैसे बुलॉक कार्ट कैपिटलिज्म है और साथ में बैलगाड़ी पे चल रहे हैं लोग, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई। तो ये सब जो है परस्यूट ऑफ लक्ष्मी नाम के बुक में जो है डिस्क्राइब था, इसके बारे में मैंने यहाँ दे दिया है। रूडोल्फ और वेरी फेमस बुक जिसमें कि उन्होंने बुलॉक कैपिटलिज्म, इनवॉल्यूटेड प्लुरलिज्म, मैं एक्सप्लेन अब नहीं कर रहा हूँ, फेडरल मार्केट इकोनॉमी, स्टेट एज ए थर्ड एक्टर, डिमांड एंड कमांड पॉलिसी, सब पूछा जाता है, सब देख लीजिएगा। यहाँ मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। ये जो बुक है, दिस बुक, ये लिखा है फ्रेंकल ने, और पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट ये बहुत पूछा जाता है, प्रणब बर्धन की बुक है, और स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया जो अतुल कोहली की। ये सारे बुक आपको याद होने चाहिए। DUET ये सब UGC नेट से लेता है, उसको लेना चाहिए नहीं था। फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन आलमंड एंड भारवाज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। सॉरी कि यहाँ पॉलिटिकल कल्चर कट गया है, ये तो एकदम लड्डू क्वेश्चन है, आपको पता है। दिस इज इवेल्युएटिव ओरिएंटेशन, कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव है, एम्पिरिकल ओरिएंटेशन नहीं है, इसीलिए ये जो है ये तीन टाइप के ओरिएंटेशन है और तीन टाइप के उनके पॉलिटिकल कल्चर का क्लासिफिकेशन है, पैरोकियल, सब्जेक्ट, पार्टिसिपेटिव, और तीनों का मिक्स जो है वो सिविक कल्चर है। यहाँ भी थोड़ी कन्फ्यूजन आपको हो सकती है, क्योंकि मैंने जो आर्टिकल 2-3 पढ़ा था जिसके बेसिस पे मैंने वीडियो बनाया था पॉलिटिकल कल्चर पे, उस पर तो ये केवल था कि सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेटिव, लेकिन चलिए ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ MCQ में जो सेटर हैं वो पैराक्यूल को भी मिक्स कर रहे हैं, और कई जगह गूगल पे ऐसा भी लिखा हुआ है, तो इसी को हम लोग मान लेते हैं कि तीनों को मिक्स किया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट व्यू ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे आप ये समझिए कि तीन टाइप के व्यू इस पे हो सकते हैं। एक है ग्लोबोफाइल्स या जिसको ग्लोबलिस्ट कहते हैं, जो कि ग्लोबलाइजेशन को बहुत अच्छा भी मानते हैं और ग्लोबलाइजेशन को एक रियल इवेंट भी मानते हैं। ग्लोबोफोब्स जो हैं, जो डरते हैं ग्लोबलाइजेशन से, या एस्केपिस्ट्स हैं, वो ग्लोबलाइजेशन को मानते ही नहीं है। उनका मानना है ग्लोबलाइजेशन एक फैड है, एक ऐसे ही टर्म है, डिस्कोर्स है जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने क्रिएट किया है। और ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट जो है वो थर्ड व्यू लेते हैं, इसको पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू भी कह सकते हैं, जो बीच बीच का व्यू है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट व्यू ग्लोबलाइजेशन का क्या है। वो देखिए, सबसे लंबा स्टेटमेंट फर्स्ट, सबसे लंबा स्टेटमेंट सबसे सही स्टेटमेंट, ये ट्रिक है, अब इसको पढ़ लीजिएगा। ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट इस टाइप की बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन केवल स्टेट के पावर को जो है वो डाइल्यूट ही कर रहा है या नेशन स्टेट विदर अवे कर रहा है। किसी किसी एस्पेक्ट में नेशन स्टेट की पावर बढ़ भी रही है ग्लोबलाइजेशन के दौर में, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकल एंड स्पाइंग, आपने पेगासस का देखा, या और कई टूल्स जो हैं सर्विलेंस के उसके पास आ गए हैं, तो उससे जो है नेशन स्टेट पावरफुल भी हुई है, क्योंकि उसको ग्लोबल इकोनॉमी में भी उसकी दखल हो गई और कुछ रेस्पेक्ट में उसकी जो पावर है वो घटी भी है। ये वो व्यू लेते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे एक और मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि एंथोनी गिडेंस एंड उल्रिक बेक जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट थिंकर हैं, गिडेंस ने रन अवे वर्ल्ड लिखा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, और बेक ने जो है ग्लोबल रिस्क कॉन्शियसनेस लिखा है। ये सबको थोड़ा देख सकते हैं, कई जगह आ सकता है आपको। नाउ देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्स्ट रिलेटेड टू क्लासिकल रियलिज्म। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होना चाहिए। आपको पता है कि पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन मॉर्गेंथाउ का, प्रिंस मैकियावेली का, और पेलोपोनेसियन वॉर जो है थियोसीडाइडस का, ये सब तो क्लासिकल रियलिज्म के ग्रंथ हैं कह लीजिए। लेकिन ये जो बुक है यही ऑड वन आउट है, और ये बुक लिखा है जॉन मैर्सिमर ने, और जॉन मैर्सिमर जो है वो नियो रियलिस्ट है। ऑफकोर्स उसका एक दूसरा सब वेरिएंट है ऑफेंसिव नियो रियलिज्म, जो कि ये कहता है कि स्टेट एक पावर मैक्सिमाइजर होते हैं, वो हेजमन बनना चाहते हैं, अपने रीजनल हेजमन बनना, हर स्टेट हेजमन बनना चाहता है, पावर अधिक से अधिक एक्वायर करना चाहता है। इसका अपोजिट जो है वो डिफेंसिव नियो रियलिज्म है, जिसमें रॉबर्ट जर्विस आते हैं, मेनी अदर, केनेथ वॉल्स भी आते हैं, जो कहते हैं कि नहीं, पावर नहीं बल्कि स्टेट जो है सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर बनना चाहता है, पावर ओनली मीन्स होता है फॉर सिक्योरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एसोसिएटेड विथ अरबिंदोज बिलीव। अब ये देखिए आपके CBCS सिलेबस में नहीं है, ये कहाँ से उन्होंने लिया है, कॉपी पेस्ट इफेक्ट ऑफ UGC नेट। मैं आपको एक यहाँ टिप्स देना चाहता हूँ, आप ना इस पेपर को मत मानिए स्टैंडर्ड पेपर है। स्टैंडर्ड पेपर 2021 का है, वहाँ यदि आप देखेंगे तो कोई भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं था, और मैं एनालाइज करूंगा उसको। इसलिए मैं आपको एक हिदायत दे रहा हूं कि इस पेपर को देख के अरबिंदो और जो सिलेबस में थिंकर्स नहीं भी हैं लाइक दीन दयाल उपाध्याय, इन सबको मत पढ़ने लगिए। या आप बहुत ज़्यादा जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर मॉरिस जोन्स और रुडोल्फ एंड फ्रेंकेल, पॉल ब्रास, ये सबको मत पढ़ने लगिए, मत पढ़िए, आप एनर्जी वेस्ट करेंगे, क्योंकि अब वो नहीं आएगा। DUET भी अब सुधर चुका है, और अब CUET का जमाना है जो बिल्कुल सिलेबस से लगभग सटा हुआ आता है, वैसा ही इसमें भी आएगा। ये सब बस जान लीजिए। अरबिंदो की बिलीफ यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है, पढ़ लीजिएगा। उनके जो थॉट है वो तो बहुत ही डीप है, एक तरह का योगी थे ये, उन्होंने इंटीग्रल योगा पे भी काम किया। यहाँ मैंने UGC नेट गाइड से ही अपने सारे उनके जो बुक ऐसे है वो भी दे दिया, एक बार देख लीजिए। लेकिन ये आपको आएगा नहीं, ये मेरा फर्म बिलीफ है। अब इस स्लाइड में 4 क्वेश्चन मैंने लिया है, 2 टफ हैं, इनफैक्ट क्रैप क्वेश्चन, बकवास क्वेश्चन, 2 जो है इजी क्वेश्चन है। देखिए किस टाइप का कंट्रास्ट है। 7th है, एक कोट दिया गया है, आई डू नॉट विश देम, मतलब वुमेन, टू हैव पावर ओवर मैन बट ओवर देमसेल्व्स। अब ये किसने कहा है, ऐसा आर्बिट्ररी क्वेश्चन। मैंने आपको मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट पढ़ाया, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि उन्होंने क्या क्या कहा है, और एक एक लाइन कैसे कोई याद कर सकता है, बट इन्होंने मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट ने कहा है। इससे अधिक मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैंने कहा था पहले आपको, अतुल कोहली की जो मेन जो थीसिस है वो क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी है। ये मैंने आपको कहा था कि उन्होंने अपनी जो बुक लिखी है उसमें इस पे चर्चा किया है। अब वो कहते हैं कि इस बुक का मेन थीसिस जो है, थीसिस टू विच द फॉलोइंग रीजंस, मतलब उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी इंडिया में हो गई है। तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, UGC नेट में अतुल कोहली पे काफी पूछा जाता है। मैंने अपने एग्जाम गाइड में इसको बताने की कोशिश की है, एक टेबल बना करके इस तरह के बुक्स एंड ऑथर का, उसमें अतुल कोहली बहुत प्रोमिनेंट हैं। तो ये उन्होंने ये कहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस जो हुई है उसके चलते इंडिया में क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी हुई इन लेट 1960s। इससे अधिक मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप इसको याद कर सकते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है। कम्युनिटेरियन आर्गू, कम्युनिटेरियनिज्म मैंने आपको पढ़ाया है। आप यदि इस चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आप खुद सही टिक मार देंगे। देखिए ऑप्शंस क्या है, इसमें से एक ही सही है, कम्युनिटीज मस्ट टेक प्रेसिडेंस ओवर नेशन। ऐसा थोड़ी कोई कह सकता है कि नेशन के ऊपर कम्युनिटी प्रेसिडेंस ले, तो इसलिए गलत है। कम्युनल थिंकिंग इज मोरली रॉन्ग, ऐसा कम्युनिटेरियन बोलेंगे क्या कभी, ऐसा तो कभी नहीं बोलेंगे, इसलिए गलत है। नन ऑफ दिस तो कोई मतलब नहीं है अभी। लिबरलिज्म डिवैल्यूज कम्युनल अटैचमेंट, ये सही है, यही तो कहते हैं वो, लिबरलिज्म को वो डिराइड करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। उनका कहना है कि वो अंडरमाइन करता है कम्युनल अटैचमेंट को, कम्युनल फीलिंग को, इसलिए सही आंसर है 4। अब ये जो है हनाफी, हनाबली, सफली, मालिकी, ये मैंने आपको पढ़ाया जब इस्लामिक ट्रेडिशन पढ़ाया कि ये सब जो है उनके लॉ सिस्टम है, डिफरेंट जो है ना ज्यूरिडिकल सिस्टम है, इसके अनुसार से हनाफी के अनुसार से एक लॉ है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो 4 पार्ट में बटी हुई है। इंडिया में आई डोंट रिमेम्बर, इसमें से एक इंडिया में हो, मैंने अपने PPT में दिया हुआ है, इसलिए ये ज्यूरिडिकल सिस्टम है। ये इसलिए आपको इजी क्वेश्चन है क्योंकि आप जब इस्लामिक ट्रेडिशन पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है तो उसमें ये पार्ट ऑफ सिलेबस है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। अब इस स्लाइड में देखिए किस तरह के मिक्स है। फर्स्ट क्वेश्चन वायलेट है मतलब मीडियम टू टफ, उसके बाद एक टफ क्वेश्चन है जो कि इंसाइटफुल है, और उसके बाद एक अगेन टफ क्वेश्चन है, और फिर एक इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले वायलेट क्वेश्चन को देखिए। पॉजिटिव लिबर्टी इम्प्लाइज दैट, मतलब क्या है पॉजिटिव लिबर्टी। ऑल ऑफ दिस पे अभी रुक जाइए। द स्टेट कैन मेक इंटरवेंशन फॉर बेटरमेंट ऑफ लाइफ, मतलब स्टेट जो है नेशन स्टेट वो लोगों के लाइफ को बेटर करने के लिए इंटरवीन कर सकती है। One must be free to do things one consider positive. अब यहाँ के आप confuse कर सकते हैं इसमें। There must not be any constraint on the freedom of thought. ये यहाँ आप confuse नहीं करना चाहिए। यदि आप negative liberty को ठीक से समझते हैं तो ये बिल्कुल negative liberty है। Constraint word जहाँ पे आए वहाँ negative liberty, आपको कोई रोकता नहीं है freedom of thought पे। लेकिन ये चीज कि one must be free to do things one consider positive, ये भी जो है पॉजिटिव लिबर्टी का इसलिए नहीं कि must be free। मस्ट बी फ्री मतलब क्या है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो और चूंकि एक ही आपको आंसर सही है इसलिए इससे बेहतर तो ये ऑप्शन है, द स्टेट कैन मेक इंटरवेंशन फॉर बेटरमेंट। पॉजिटिव लिबर्टी है क्या, बेसिकली वो लिबर्टी है जो आपको कैपेबल बनाता है वो काम करने को जो आप अदरवाइज नहीं कर पाते। जैसे कि एक हैंडीकैप पर्सन है, यदि उसके लिए आपने इस टाइप का एक्सेस बना दिया सिनेमा हॉल में, मॉल में, कि वो अपने व्हील चेयर से आराम से अंदर जा सकता है बिना किसी के हेल्प के, तो आपने उसकी पॉजिटिव लिबर्टी को बढ़ा दिया। तो इसलिए स्टेट जब किसी को एम्प्लॉयमेंट भत्ता देता है, किसी को वेलफेयर मेजर करता है, कोई सोशल वेलफेयर करता है हैंडीकैप के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, तो वो उसकी लिबर्टी को बढ़ाता है। इसलिए सही आंसर द स्टेट कैन मेक इंटरवेंशन फॉर बेटरमेंट ऑफ लाइफ। इसलिए यह टफ हो जाता है क्योंकि इसके ऑप्शंस उटपटांग है, अदरवाइज पॉजिटिव लिबर्टी आप जानते हैं। इसलिए सही आंसर है दिस। इंटरवेंशनिस्ट स्टेट जो है वो एक इसका नतीजा निकलता है पॉजिटिव लिबर्टी का, और इसीलिए इससे हम बर्लिन जैसे जो थिंकर हैं वो डरते हैं पॉजिटिव लिबर्टी से, क्योंकि स्टेट कितने दूर तक इंटरवीन करेगा, वो टोटलिटेरियन स्टेट में बदल सकता है। इसलिए वो कहते हैं पॉजिटिव लिबर्टी एक स्लिपरी स्लोप है, उसका कहीं कोई अंत नहीं है, वो अंत में जाके स्टेट जो है दानव बन सकता है, वो लेवाइथियन जैसा हो सकता है हॉब्स का। अब नेक्स्ट आइए 12 नंबर क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। इसमें आपको आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, मतलब तीन इसमें सही हैं, तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। पॉलिटिकल डेवलपमेंट लूसियन पाई, तो आपको शायद पता है कि नहीं, ये सही है। लूसियन पाई एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के थ्योरी पे, मॉडर्नाइजेशन पे, वो आपको मैंने बताया है क्या है, आगे भी बताएंगे। डिपेंडेंसी थ्योरी जो है आंडर गुंडर फ्रैंक, आपको मैंने बार बार बताया है, तो ये भी सही है मैच। सिविक कल्चर अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, सिडनी भरवा दूसरी बार आपको पूछा जा रहा है, गैब्रियल अलमंड के साथ इन्होंने सिविक कल्चर बुक लिखी। और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी अमृत सेन का कोई इससे नाता नहीं है, इनका जो थ्योरी है वो है कैपेबिलिटी अप्रोच, मतलब एक तरह से पॉजिटिव लिबर्टी कैपेबिलिटी अप्रोच, जिसमें इनके साथ में मार्था नॉसबाम भी जुड़ती हैं। तो अमर्त्य सेन एंड मार्था नॉसबाम को आप पॉजिटिव लिबर्टी या कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट से जोड़ सकते हैं। इसलिए सही इसमें आंसर है दिस। अब यहाँ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये यूजीसी नेट से लिया गया ये सब क्वेश्चन है, इसलिए आपको परेशानी होती है। जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन की जो थ्योरी है वो 1970s में आई, ये मैंने आपको पढ़ाया है। ये मैंने जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के इवोल्यूशन में पढ़ाया था कि वो फेज था जहाँ पे कि अमेरिका जो है यूएसए वो कोशिश कर रहा था कि थर्ड वर्ल्ड में कम्युनिज्म ना फैल जाए, इसके लिए वो हर तरह का कि आर्थिक सहायता, वो जो मिलिट्री असिस्टेंस सब कुछ देता था। और उसने एक पूरी थ्योरी बनाई कि जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड ने डेवलपमेंट किया है वही तरीका थर्ड वर्ल्ड के लिए भी है, रास्ता सेम है, केवल डेवलप्ड वर्ल्ड पहले पहुंच गया है और डेवलपिंग वर्ल्ड को उसी रास्ते को फॉलो करते हुए जाना है। दिस वाज इन नटसेल द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी। अब इसमें जो डब्ल्यू रोस्टोव, ऑर्गेन्स्की, डेविड एप्टर, एडवर्ड शील, ये सब को याद कर लीजिए, ये सब जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी के मतलब अच्छे ऑथर हैं। साथ में लूसियन पाई तो सबसे बड़े अमेरिकन जो है, ये तो एडवर्ड सील तो इंग्लैंड के थे। तो इन पांचों को यदि आप याद रखेंगे तो आपको बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रूसोज आइडिया ऑफ परफेक्टिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत डिटेल में आपने नहीं पढ़ा है, मैंने भी नहीं पढ़ाया है क्योंकि वो उस तरह सिलेबस में है नहीं, उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जनरल विल है। लेकिन परफेक्टिबिलिटी का मायने जो है वो ये है, उन्होंने जो दिया कि मैन इज मोर फ्लेक्सिबल एडेप्टिव देन अदर एनिमल्स, पोजेसिंग द एबिलिटी टू लर्न एंड डिवाइस बेटर मींस टू सैटिस्फाई हिज नीड्स। मतलब उनका कहना था आदमी और जानवर में यही फर्क है कि आदमी अपना लर्निंग प्रैक्टिस से जो है अपने को परफेक्ट बना सकता है, मतलब वो इसलिए उसने वेपन बना लिया, पहले वो पत्थर के, फिर लोहे के, और फिर पहिया, एंड फिर टेक्नोलॉजी, एंड ये, और उसका कोई अंत नहीं है, हवाई जहाज एंड दिस। ये ह्यूमन में जो एबिलिटी है लर्न करने का, इमिटेट करने का और प्रैक्टिस से परफेक्ट बनाने का, और उसी से उनका कहना है कि वो लैंग्वेज भी डेवलप होता है, रीजन भी, और सब कुछ जो है इसी नेचर के चलते होता है, परफेक्टिबिलिटी के नेचर के चलते। तो इन यहाँ पे अब देखिए वो क्या पूछ रहे थे, ये पूछते तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होता। अभी पूछते हैं कि इसका मतलब मायने इस किस आइडिया से ये निकलता है, ये परफेक्टिबिलिटी। ये कहते हैं मैन आर एसेंशियली गुड नेचर्ड, मैन हैव नो बेसिक एसेंस, नन ऑफ द अबव, नेचर ऑफ मैन इज। तो यहाँ पे क्या है कि गुड है मैन का नेचर, बैड है, अब ये तो छोड़ दीजिए, नन ऑफ द अबव एंड नो बेसिक एसेंस भी छोड़ दीजिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि तो अच्छी बात, पॉजिटिव है ना, इसलिए मैन आर एसेंशियली गुड नेचर्ड। लेकिन ये डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत कोई अच्छा नहीं है, इसलिए ये टफ क्वेश्चन है। बट एनीवे, परफेक्टिबिलिटी क्या होता है वो आपको जानना चाहिए। देखिए कोई अच्छे से सेट करेगा तो आपको यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई उससे हेल्प हो जाएगा कि परफेक्टिबिलिटी का मायने क्या है। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें बहुत लंबी चौड़ी एक कोट लिखी हुई है, छोड़ दीजिए, मैं पढ़ नहीं रहा टाइम बचाने के लिए। अंबेडकर जी ने यह कहा था कि आर्टिकल 32 जो है वो हार्ट एंड सोल है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का। यदि कोई एक आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो है 32। और ये 32 क्या है? ये है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब यदि आपका फंडामेंटल राइट हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को एक पोस्ट कार्ड लिख सकते हैं, आप एक लेटर लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और वो आपके सुनेगा अंडर आर्टिकल 32, आपके फंडामेंटल राइट को वो प्रोटेक्ट करेगा, उसके लिए वो रिट इशू करेगा। तो ये जो है आर्टिकल 32 है, इसको उन्होंने यहाँ पे कहा है, इफ आई वाज आस्क्ड ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कोई है। तो इस क्वेश्चन को आप भूल नहीं सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, द थॉट दैट एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द बेसिक कॉज। हिंदी में यदि कहें तो मतलब किसने जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन को ह्यूमन दुख का कारण बता दिया था मॉडर्न सोसाइटी में। और इस तरह का जो टेक्नोलॉजी और मैकेनिस्टिक वे ऑफ लाइफ, जो वेस्टर्न लाइफ है, उसको डिराइड करने वाले जो थिंकर थे इंडिया में, इन सब में वो बिल्कुल गांधी जी थे। गांधी जी जो है अपने ट्रेडिशनल नॉलेज जो इंडिया की है, हाथ से जो शिक्षा, मतलब मैनुअल लेबर स्किल सीखने वाली शिक्षा, इसको नई तालीम कहते थे, उसके समर्थक थे। उनका कहना था कि यदि हम नेचर के साथ रहते हैं तो ना हमें मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की ज़रूरत है, ना मॉडर्न फास्ट ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, ना ही कोई मशीन या रोबोट की ज़रूरत है या कंप्यूटर की ज़रूरत है। हम नेचर के साथ सुख से बिना किसी प्रॉब्लम के रह सकते हैं। गांधी। द ब्लॉक वोट सिस्टम को दूसरा नाम क्या है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो सकता है, उसने रेड मारा है, इसको फर्स्ट पास द पोस्ट कहते हैं। यहाँ मैंने ब्लॉक वोटिंग का जो एक्चुअल मीनिंग है वो दिया है, और यहाँ मैंने अपने ही 1500 क्वेश्चन से ये दिया है कि इसमें से एफपीटीपी इलेक्ट्रोल सिस्टम जो है उसको अलग अलग नाम दिया गया है, सब याद कर लीजिए। सिंगल मेंबर ब्लॉक वोट सिस्टम, मेजोरिटेरियन सिस्टम, सिंपल मेजोरिटी सिस्टम, एडिशनल मेंबर एएमएस भी उसका एक एएमएस तो उसका वेरिएंस नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। सिंपल प्योरिटी सिंगल बैलेट सिस्टम, सिंगल मेंबर प्योरिटी वोटिंग सिस्टम, ये सारा जो है ये इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है, ये देख लीजिएगा। ये नहीं था, मतलब ये क्वेश्चन से मैंने लिया था, इसलिए ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। ये 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंबेडकर का बहुत फेमस कोट है, ही इज हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट के बारे में कह रहे हैं, बट नॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डज नॉट रूल द नेशन। बिल्कुल ये प्रेसिडेंट के बारे में कहा गया है, अंबेडकर ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी इज द आइडिया दैट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी पता है, रूसो का जनरल व्हील याद कीजिए, जहां पे कि पब्लिक जो है पब्लिक स्पेस में डेलिबरेट करते हैं। डेलिबरेशन जो है वो आर्गूमेंट से अलग होते हैं, आप ओपन माइंड से किसी इशू पे चर्चा करते हैं और अपना माइंड को चेंज करने के लिए भी रेडी रहते हैं, यदि आपको लगता है कि सामने वाला सही बोल रहा है, और मिल करके एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, जिसको हाना आर्डेंट ने बोला था कि स्पीच कम्युनिकेशन से हम कुछ को क्रिएट करते हैं, जो पावर है। तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी उस टाइप के डेमोक्रेसी की बात करता है, टाउन हॉल में मीटिंग हो, चर्चा हो, उसके बेसिस पे पब्लिक पॉलिसी बने। So decision must follow reasonable discussion and debate. So this is सबसे लंबा स्टेटमेंट, सबसे सही स्टेटमेंट। और यहाँ पे मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कुछ थिंकर याद कर लीजिए जो कि आइडिया ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हैं। फिशकिन हैं, जेसुआ कोहेन है, डेविड ट्रूमैन है, एमी गटमैन है, और मेनी अदर्स, लेकिन इन चारों को जरूर याद कर लीजिए। अगेन ये टफ क्वेश्चन का पेज है, तीनों क्वेश्चन टफ हैं, जिसमें से एक तो मरून है। तो चलिए पहले मरून को देखते हैं। चलिए पहले इसको देखते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग टर्म द फोर डिफरेंट बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4P, मतलब 4P ऑर्गेनाइजेशन का किसने दिया था। आप सीधा देख लीजिए, मैंने यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया है, शायद आपको पता नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। लोथार गुलिक, जिन्होंने की पोस्ट कॉप दिया था, उन्होंने जो है ये भी दिया कि उन्होंने कहा 4P जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करता है, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस। तो ये तो बहुत मुश्किल है जानना, लेकिन एक बार यदि आपने जान लिया तो फिर आप भूलेंगे नहीं। तो इसका सही आंसर है लोथार गुलिक। अब यहाँ पे आते हैं 18 नंबर पे, जो एक क्रैप क्वेश्चन है मेरे अनुसार से। आर्टिकल 371A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेशल प्रोटेक्शन टू विच ऑफ द स्टेट। ये क्यों बकवास क्वेश्चन, आप ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छी बात क्या है जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि अभी आर्टिकल 370 पिछले एक साल से काफी न्यूज में, एक डेढ़ साल से, जब से जम्मू कश्मीर में खत्म किया गया 5 अगस्त 2019 को वो रिपील किया गया। तो उसमें जेएनके को एक स्पेशल स्टेटस था। कई लोग आप में से शायद ये नहीं जानते होंगे कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट को स्पेशल स्टेटस दी गई है, और वो इसलिए दी गई कि डिफरेंट टाइप से स्टेट जो है इंटीग्रेट हुए हैं इंडिया में, सबका अलग अलग हिस्ट्री है। कोई प्रिंसली स्टेट है तो कोई और, कोई किस तरह से आया है, कोई ट्राइबल स्टेट है एंड ऑल। तो उसमें देखिए कितने सारे हैं। आर्टिकल 371 जो है महाराष्ट्र गुजरात को देता है, 371A नागालैंड को देता है जो इन्होंने यहाँ पूछा है, 371B असम को, C मणिपुर को, DE आंध्र प्रदेश को, F सिक्किम को, G मिजोरम एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप क्या सारा याद रखेंगे? इतनी मतलब कि मेमोरी है तो याद कर लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन क्यों आप पूछ रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब सही नहीं है। वैसे सही आंसर है नागालैंड। आपने देखा, और ऐसे कितने ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कल को आप पूछेंगे 371G किसके स्पेशल स्टेटस रिलेटेड है, तो आंसर होगा मिजोरम। बट हाउ कैन यू रिमेंबर ऑल दिस, आई डोंट नो। 90 नंबर देखिए, हु डिफाइंड, वैसे मैंने अपने एग्जामिनेशन गाइड में ये सब पूरा टेबल दे दिया, वहीं से मैंने इसको कॉपी पेस्ट भी किया है। आप चाहें, आप में मतलब कि ताकत है रोट लर्निंग की तो आप कर लीजिए, और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ऐसा कर पाते हैं, फिर आप एग्जाम के बाद भूल जाइएगा। Who defined development administration as a action oriented, goal oriented administrative system? अब मैंने आपको डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया, लेकिन ये कैसे आपको पढ़ा सकता हूं कि ये किसने कहा है, वो किसने कहा है, और ये भी एकदम एक अननोन सा नेम, एडवर्ड वेगनर। आप बस जान लीजिए, इससे मैं कोई आगे डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, इसको आप चाहिए तो याद कर लीजिए। ये स्लाइड में भी आप देखिए दो टफ क्वेश्चन है और एक इजी। चलिए सबसे पहले इजी क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू हैव इनॉग्रेटेड द लिबरल रिफॉर्मिस्ट मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। लिबरल रिफॉर्मिस्ट मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया, एक तरह समझिए कि किसने शुरुआत किया एक रिफॉर्मेशन का, सोशियो कल्चरल रिफॉर्मेशन। तो ये तो रिनेसा हो गया, इंडियन फादर ऑफ रिनेसा जो है वो राजा राम मोहन राय कहा जाता है। तो ये आप भूल नहीं सकते हैं, आप इसमें गलत नहीं करेंगे इसको। देन यहाँ पे अब आते हैं ये दोनों टफ क्वेश्चन पे। अगेन ये सब यूजीसी नेट से कॉपी पेस्ट है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए पॉलीसेंट्रिक हायरार्की। अब ये आप कैसे जान सकते हैं? और ये जो है असीमा सिन्हा ने कहा है, ना आपको इनको पढ़ना है ना जानना है, और पता नहीं कैसे कैसे नेम इसमें है, यहाँ एच छूट गया है। अब यहाँ पे मैंने जो है दे दिया है, थोड़ा छोटा है फॉन्ट है, सॉरी, ये मैंने अपने एग्जामिनेशन गाइड से लिया है। मैंने इस टाइप के काफी यहाँ लिख दिए, जैसे कि लॉयड एंड सुजान रूडोल्फ ने कहा है इंडियन इकोनॉमी को बुलॉक कार्ट कैपिटलिज्म, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। इसी तरह मॉरिस जॉन्स, जिन्होंने कि काफी इंडिया पे लिखा है, उन्होंने इंडियन फेडरेशन को लिखा है बार्गेनिंग फेडरेशन। देन मैरियन वेनर, इन्होंने भी इंडिया पे लिखा है इंडियन पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स इन स्कार्सिटी कहा है। अतुल कोहली ने इंडियन स्टेट इंटरचेंजेबली, एक ही साथ ये वीक एंड कैप्चर्ड स्टेट है, तो ये अतुल कोहली ने कहा है। एंड देन पार्था चटर्जी ने कहा है नेशनलिज्म एज डेरिवेटिव डिस्कोर्स। इस तरह के करीब 10-15 मैंने जो है लिख दिया, आप याद कर लीजिए तो आपको इस तरह क्वेश्चन आ जाएंगे। उसी तरह का ये वाला क्वेश्चन है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई इंडियन स्टेट एज इंटरचेंजेबली वीक एंड कैप्चर्ड, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, सॉरी यहाँ पे बताया, ये अतुल कोहली है। ये सब क्वेश्चन आप, यू कैनॉट प्रिपेयर फॉर दैट, ये गलत है। और मुझे टाइम मिला तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को इसकी शिकायत भी करूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइंड द टर्म पार्टी ऑफ कंसेंसस एंड पार्टी ऑफ प्रेशर। ये क्वेश्चन इजी होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है शायद आप भूल गए हो कांग्रेस सिस्टम, मैंने सेकेंड टर्म में पढ़ाया था। तो कांग्रेस सिस्टम को डिस्क्राइब करते समय में रजनी कोठारी ने कहा था कि कांग्रेस जो है पार्टी ऑफ कंसेंसस है, एक जनरल कंट्री में कंसेंसस, और जितनी जो अपोजिशन पार्टी है वो मार्जिन पे एक्ट करती है, वो पार्टीज ऑफ प्रेशर सिंपली है, उनका कोई रोल गवर्न करने में नहीं है, वो पार्टी ऑफ गवर्नमेंट भी नहीं होती है, पार्टी ऑफ कंसेंसस भी नहीं होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज को रिप्रेजेंट करती हैं, पार्टीज ऑफ प्रेशर। सही आंसर है रजनी कोठारी, आपको ये भूलना नहीं चाहिए कांग्रेस सिस्टम के चलते। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एस्टैब्लिश, सीवीसी कब एस्टैब्लिश हुआ? अब ये कैसे आप याद करेंगे, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कई एग्जामिनेशन में, तो इसको आप याद कर लीजिए 1964 शायद याद आ जाए। द इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन, ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार मैंने आपको बताया और कई लोग आपको बताएंगे। जब भी लोकपाल आप पढ़ेंगे तो ये आएगा कि पहला लोकपाल दुनिया में किस कंट्री में बना। लोकपाल को ओम्बड्समैन भी कहते हैं और वो स्वीडन में बना था 1809 में। तो इसीलिए आप आरटीआई एक्ट भी सबसे पहले स्वीडन में लागू हुआ था। इस तरह के कहीं पे कंफ्यूजन हो कि कोई अच्छी पॉलिटिकल रिफॉर्म कहाँ पे हुई है, तो आप स्वीडन, यदि आपको नहीं अंदाजा हो तो स्वीडन को मार दीजिए, स्वीडन बहुत आगे है उसमें। और स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, वो सब काफी आगे हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म में, और वो सब सोशल डेमोक्रेट भी हैं, मतलब जहां पे कि सोशलिज्म और लिबरलिज्म का एक अनोखा मिश्रण है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइंड द फ्रेज आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्ची? ये आपको जानना चाहिए, इसलिए नहीं जानना चाहिए कि मैंने पढ़ा है आपके सिलेबस में, इसलिए क्योंकि ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जगह जगह ये क्रॉप करता रहेगा। आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्ची मैं तीसरी चौथी बार शायद आपको बता रहा हूँ इस एमसीक्यू में। ये रॉबर्ट माइकल्स ने दिया है, ये इटालियन है, और ये कहते क्या है इसमें कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना भी डेमोक्रेटिक क्यों ना हो, अल्टीमेटली वो कॉम्प्लेक्सिटी के चलते कुछ फ्यू पीपल जो है उसको रूल करने लगेंगे, चाहे वो डेमोक्रेसी ही क्यों ना हो। आप इंडिया के डेमोक्रेसी को ही देखिए, कैसे हाई कमांड कल्चर बन जाता है, 3-4 लोग जो है सत्ता चलाते हैं, चाहे किसी पार्टी की भी हो। तो ये ऐसा होता है, ये आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्ची है। ऑलिगार्ची क्या है? कुछ लोगों का शासन। आपको लगेगा कि इंडिया कहने को डेमोक्रेसी है लेकिन कुछ लोगों का शासन है। रॉबर्ट माइकल कहना है कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑलिगार्ची बन जाता है। आयरन लॉ मतलब क्या होता है? आप उससे बच नहीं सकते हैं, मतलब आप चलेंगे डेमोक्रेसी से लेकिन वो बन जाएगा ऑलिगार्ची। तो ये रॉबर्ट माइकल का बहुत इंपॉर्टेंट व्यू है, इसलिए आपको याद रखना है। अब इसमें भी जो है ज्यादा 3 में से 2 क्वेश्चन टफ हैं, एक तो मरून है, तो चलिए कुछ इंसाइटफुल ऐसे शुरू करते हैं। मॉर्टन कंप्लायंस मॉडल ऑफ सिस्टम एनालिसिस, ये कहता है कि ये करेक्ट सीक्वेंस क्या है, और ये सीधा यूजीसी नेट से ये क्वेश्चन लिया गया है। अब मॉर्टन कंप्लायंस मॉडल, अब देखिए जो ये सिस्टम एनालिसिस इंटरनेशनल रिलेशन में मॉर्टन कंप्लायंस ने दिया है अपने बुक में, जो मैंने यहाँ दिया है सिस्टम एंड प्रोसेसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब हो सकता है कि आपको ये आगे आ जाए कि ये बुक किसने लिखी है, तो यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब इस मॉडल में उन्होंने सिस्टम डिफरेंट टाइप के जो इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम है उसको उन्होंने कैटेगराइज किया है, और फिर उन्होंने एक प्रोग्रेशन दिया है सीक्वेंशियल कि ऐसे बढ़ेगा, पहले ये सिस्टम होगा फिर ये सिस्टम। उनका कहना है शुरू में बैलेंस ऑफ पावर होगा जो 17th-18th सेंचुरी में यूरोप में था, फिर लूज बायपोलरिटी होगी जो एक समय में था कि इंग्लैंड और यूएसए, फिर इंग्लैंड यूएसए और एक ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड यूएसएसआर, फिर बाद में टाइट बायपोलरिटी हो गई जिसमें कि 2 ब्लॉक बन गया जो कि धुरी बन गई यूएसए एंड यूएसएसआर, एंड बाद में यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम, आगे भी वो बढ़ते हैं। ये सब आपको इतना जानना नहीं है, इसलिए टफ क्वेश्चन है, बट यदि ये क्वेश्चन आ जाए और ये सब आ जाए तो लिख दीजिए। नाउ दिस इज ए इजी क्वेश्चन। ये कहता है कि टेलर का जो कॉन्सेप्ट है मेंटल रिवोल्यूशन का, उसका मायने क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। मेंटल रिवोल्यूशन, उनका कहना था कि एक नई टाइप की सोच मैनेजमेंट में भी और लेबर में भी, दोनों ये जो है साइंटिफिक वे में यदि चलेंगे, दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानेंगे तो प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाएगा। ये एक मेंटल रिवोल्यूशन से ही संभव है। तो इसमें बेसिकली होगा हार्मनी एंड कोऑपरेशन, मतलब कि हार्मनी कोऑपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर, ये उनका कहना था। इसलिए सही आंसर ये है। यदि आपने ठीक से पढ़ा है तो ये आप इसको मार सकते हैं, इसलिए मैंने आसान दिया है, वैसे हो सकता है किसी के लिए टफ हो। अब ये जो है एकदम बहुत ही आर्बिट्ररी क्वेश्चन है कि फिलॉसफी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशन, आजीविका, ब्राह्मणिज्म, जैनिज्म, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन यदि आप जानना चाहें तो ये जो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है ये कोर थॉट है सॉरी बुद्धिज्म का ये कोर थॉट है। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि मैंने यहाँ लिख दिया है सांसारिक एग्जिस्टेंस या संसारिक एग्जिस्टेंस इज गवर्न्ड बाय ए सिस्टम ऑफ कॉजलिटी, एवरीथिंग इज कॉज्ड इनटू बीइंग एंड इन टर्न कॉजेज मोर एग्जिस्टेंस टू अराइज। ये आप याद कीजिए एरिस्टोटल का जो थ्योरी ऑफ कॉजेज है कि कोई भी चीज जो दुनिया में है, मान लीजिए फूल है, पत्थर है, पेड़ है, उसके होने का कोई कॉज है और ये यदि है तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें होंगी जो इसके कॉजेशन से वो पैदा होती हैं। मतलब कोई भी चीज जो है शून्य में पैदा नहीं होता है। यहाँ पे जितनी भी चीजें यूनिवर्स में है वो कुछ पर्पस के चलते हैं। मतलब ये एंटी निहिलिज्म है कि सबका एक पर्पस है, सबका एक कॉज है और खुद जो कोई चीज है वो दूसरे का कॉज बनता है। कॉजेशन थ्योरी है ये, बुद्धिज्म का कोर थॉट है डिपेंडेंट ऑरिजिनेशन। मतलब हर चीज जो ऑरिजिनेट होती है वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है। इससे अधिक चलिए बहुत ज्यादा हम लोग डिस्कस कर लिए, तो इसका सही आंसर है बुद्धिज्म। शायद आपको कहीं काम आ जाए। अब यहाँ पे दो जो है वायलेट है, एक ग्रीन है। चलिए ग्रीन से ही देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर। मतलब आपको देखना है कि इसमें से तीन जो है मतलब तीन गलत होंगे। सॉरी आइडेंटिफाई, ये आइडेंटिफाई नहीं है, ये सही। बेसिकली इसका लैंग्वेज गलत है, इसमें मैच करना था, यहाँ गलत लिखा गया है। मैंने गलत नहीं लिखा, ऐसा ही लिखा था। अब यहाँ देखिए जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 में हुई थी। यदि आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि ये इंटरनेशनल वॉर में केमिकल वीपन को बैन कर दिया गया था, इससे कि बायोलॉजिकल एंड केमिकल वीपन इसमें यूज नहीं होंगे। देन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, आप लोग सभी को जानना चाहिए कि ये लिमिट करता है स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वीपन को, कि कोई जो है आगे इसको नहीं करेगा। जो लोग हैब्स हैं न्यूक्लियर हैब, वो हैब रह जाएंगे। इंडिया ने उसको साइन नहीं किया है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इंडिया ने सीटीबीटी को भी साइन नहीं किया है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को। आईएनएफ ट्रीटी जो है यूएसए यूएसएसआर का जो है कोल्ड वॉर के टाइम में हुआ था। ये एक पर्टिकुलर टाइप का जो मिसाइल था उसको पूरी तरह से खत्म करने का ट्रीटी था। और स्टार्ट का तो मतलब ही होता है स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, तो ये तो स्ट्रेटजिक वर्ड देखते ही आप इससे मैच कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन क्यों मैंने वायलेट में दिया है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो सरकारिया कमीशन। यदि आपको कोई पूछे कि सरकारिया कमीशन किस सब्जेक्ट से रिलेटेड था तो ये इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि ये सेंटर स्टेट रिलेशन से है। ये लैंडमार्क कमीशन था जिसने काफी सारे बातें कही कि सेंटर स्टेट रिलेशन क्या है, फेडरलिज्म इंडिया का कैसा होना चाहिए, जो कि बहुत ही एक डिस्प्यूटेड पॉलिटी का मैटर है इंडिया में। अभी भी उस पर काफी विवाद होता है कि राज्य और केंद्र के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए। लेकिन बाद में 2007 में जो है वो एम एम पुंछी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके नेतृत्व में एक कमीशन बनी थी फिर से इसको रिविजिट करने के लिए सेंटर स्टेट रिलेशन को। ये सही है। डुविर्जर राइकर मॉडल, यहाँ पे राइकर को आप भूल सकते हैं। डुविर्जर मॉडल जो है या डुविर्जर लॉ क्या है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। ये आसान क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ चूंकि राइकर उन्होंने लगा दिया इसलिए मैंने इसको वायलेट कर दिया। डुविर्जर लॉ क्या कहता है कि एफपीटीपी जो होता है इट रिजल्ट इनटू टू पार्टी सिस्टम, क्योंकि थर्ड पार्टी को कोई वोट ही नहीं मिलता है, क्योंकि जो वोटर होते हैं स्ट्रैटेजिक वोटिंग करते हैं। यही अभी वेस्ट बंगाल में हुआ जहाँ की कांग्रेस लेफ्ट को एक भी सीट नहीं मिला, क्योंकि उनको वहां लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए वोट टीएमसी को दिया। तो ये जो स्ट्रैटेजिक वोटिंग के चलते जो टू पार्टी सिस्टम बन जाती है एफपीटीपी में, इसको डुवर्जर लॉ बोलते हैं, उसी को डुवर्जर राइकर मॉडल भी बोलते हैं। और डुवर्जर लॉ ये भी कहता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जनरली रिजल्ट इनटू मल्टी पार्टी सिस्टम। इसलिए ये सही आंसर क्या हो जाएगा कि ये किसके किसके बीच में लिंक देता है, पार्टी सिस्टम एंड इलेक्टोरल सिस्टम के बीच में। अब यहाँ पे ये अच्छा स्लाइड है क्योंकि दो आपको इजी क्वेश्चन दिखते हैं, एक टफ। आप देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, लाइफ इज नॉट डिटरमिन्ड बाय कॉन्शियसनेस बट कॉन्शियसनेस बाय लाइफ। ये लाइन किससे रिलेटेड है, ये कहता क्या है? कॉन्शियसनेस मतलब हमारे माइंड, सोचने, कैसे हम सोच लाते हैं या आइडिया कह लीजिए। तो आइडिया से जो है हमारी लाइफ और उसके मेटेरियलिस्टिक कंडीशन जो है वो गाइडेड होते हैं, जो हेगल ने कहा था। और दूसरा व्यू है जो मार्क्स ने कहा था कि नहीं, जो हमारा जो लाइफ की जो मेटेरियल कंडीशन है उससे हमारी सोच या हमारी आइडिया इफेक्टेड होती है। मतलब कि लाइफ इज नॉट डिटरमिन्ड बाय कॉन्शियसनेस बट कॉन्शियसनेस इज डिटरमिन्ड बाय लाइफ कंडीशंस या मेटेरियल कंडीशन ऑफ लाइफ। तो डेफिनेटली ये मार्क्स का विचार है, इसको तो आप याद भी कर सकते हैं। मतलब क्या कि हमारे आइडिया से मेटेरियल कंडीशन लाइफ का अफेक्टेड नहीं होता, उल्टा होता है, हमारे मेटेरियल कंडीशन ऑफ लाइफ से जो है आइडिया हमारे होता है। तो ये बेसिकली जो है मार्क्स क्रिटिक ऑफ आइडियलिज्म है, तो इसलिए सही आंसर ये आसान होना चाहिए। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। Which of the following is false? अब सेकंड क्वेश्चन मार्क्स पे पूछ रहे हैं, देखिए एक क्वेश्चन पूछा दूसरा पूछ रहे हैं। Which of the following is false for Marx? Capitalism does not lead to commodity fetishism. क्या ऐसा उन्होंने कहा था? बिल्कुल नहीं कहा था। उन्होंने तो कहा था कि कैपिटलिज्म लीड टू कमोडिटी फेटिसिज्म। कमोडिटी फेटिसिज्म क्या होती है? जब कमोडिटी अपना कोई कमोडिटी जो है वो अपना खुद का लाइफ एक्वायर कर लेता है, मतलब हम उसको इसलिए नहीं उसको खरीदते हैं कि उसको कोई यूज करें, क्योंकि उसका एक तरह का अपना एक इमोशनल वैल्यू हो जाता है, मतलब वो हमारी प्रेस्टीज से जुड़ जाता है उस टाइप की, उसके पीछे हम भागने लगते हैं, उसको एक्वायर करने में हमें प्रेस्टीज नजर आता है। तो इस टाइप की कमोडिटी फेटिसिज्म होती है, वो हमारे ऊपर शासन करने लगता है वो वस्तु। तो ये फॉल्स तो पहला ही फॉल्स मिल गया, इसलिए सही आंसर ये, बाकी सब सही है। देखिए कैपिटलिज्म ऑल्सो सफर फ्रॉम एलिनेशन, यस उन्होंने बोला था कैपिटलिस्ट क्लास भी सफर करते हैं एलिनेशन से। कैपिटलिज्म प्रोड्यूसेस एलिनेशन, यस। कॉन्शियसनेस इज इम्बॉडीड, अब देखिए ये जो लाइन है कॉन्शियसनेस इज इम्बॉडीड, ये वही लाइन कहता है जो ये कहता है। इम्बॉडीड मतलब कि जो बॉडीली जो लाइफ कंडीशंस हैं उससे कॉन्शियसनेस जो है पैदा होती है। कॉन्शियसनेस हवा में नहीं होती है, ये नहीं होती कि पहले कॉन्शियसनेस है तब जो है हमारी फिजिकल कंडीशन है। तो ये बेसिकली एक टेढ़ा सा लैंग्वेज में वही बात है। तो ये तीनों सही है और ये गलत है, इसलिए सही आंसर ये है। अब यहाँ पे आइए, ये एक बहुत लंबा चौड़ा सा लाइन है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम बचाना है। ये बेसिकली ये लाइन जो है वो ये कहता है कि अकेला एक इंडिविजुअल बहुत बुद्धिमान हो सकता है, बहुत सारे लोग कम बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन जब सब मिलते हैं और सब मिलकर अपना दिमाग लगाते हैं तो वो एक ज्यादा बुद्धिमान बन जाते हैं। मतलब जो अनपढ़ गवार है वो भी बुद्धिमान के साथ मिलकर के वाइज डिसीजन लेने लगता है। इसीलिए कई लोगों का शासन जो है अच्छा है कुछ लोगों के शासन से। तो ये जो है एरिस्टोटल ने कहा था वहां पे, जब वो डिस्क्राइब कर रहे थे पॉलिटी को, मैंने आपको पढ़ाया है कि 6 टाइप का उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें से एक है पॉलिटी। पॉलिटी वो है जहां पे कि रूल बाय मैनी इन द इंटरेस्ट ऑफ मैनी है, मतलब बहुत लोग शासन करते हैं बहुत लोगों के इंटरेस्ट में। और डेमोक्रेसी उसका परवर्टेड फॉर्म है। उनका कहना था कि डेमोक्रेसी जो है वो गिर जाता है जब पॉलिटी, जहां की कहने को तो रूल बाय मैनी है लेकिन वो कुछ लोगों के इंटरेस्ट में शासन होने लगता है, जो मैंने पे आपको बताया ना कि ओलिगार्ची में बदल जाता है। तो वो डेमोक्रेसी को वो परवर्टेड मानते थे एरिस्टोटल। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, एरिस्टोटल एंड प्लेटो दोनों ही डेमोक्रेसी को बुरा मानते थे, और सोक्रेट भी, क्योंकि उन दोनों के गुरु थे। एंड उनके अनुसार से, प्लेटो के अनुसार से, जो मिक्स ऑफ पॉलिटी एंड एरिस्टोक्रेसी जो है ये जो है सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, पॉलिटी एंड एरिस्टोक्रेसी। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि एरिस्टोटल इज एडवोकेटिंग द पॉलिटी एज ए रूल ऑफ मैनी। 37 देखिए बहुत आसान अब आपको लगना चाहिए यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं तो। वैसे मैंने वॉलेट से दिखाया है, केनेथ वॉल जो है न्यू रियलिस्ट हैं, इसको मैच कर सकते हैं। वैसे एक ही से मैच हो जाएगा, मैंने पूरा ऑप्शन नहीं दिया है। मैरसेमर अभी हम लोगों ने देखा ऑफेंसिव रियलिज्म, सॉरी यहाँ जाएगा। फरीद जकरिया जो है वो नियो क्लासिकल रियलिज्म जो है, गिडन रोज को भी याद कर लीजिए जिन्होंने क्वाइन किया था टर्म नियो क्लासिकल रियलिज्म, एंड हांस मार्गंथाउ जो है क्लासिकल रियलिज्म। तो बहुत ही आसान है ये, तो और भी आसान है। थ्योरी ऑफ टू व्हील्स आपको पता है कि ये मतलब अना और धमा जो है टू व्हील्स की थ्योरी बुद्धिज्म में है। मंडला थ्योरी जो है वो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दिया है। सिंक्रेटिज्म जो है कबीर के थॉट में दिखती है। सिंक्रेटिज्म मतलब मिक्स्ड, हिंदू मुस्लिम ऊंचा नीचा, मतलब एक सिंथेटिक जिसको कह सकते हैं आप पॉलिटिकल थॉट। एंड धर्मशास्त्र जो है जिसको मानव धर्मशास्त्र कहते हैं, मनु। ये भी उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। जेम्स स्कॉट मैंने कई बार आपको बताया है, यहाँ आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्होंने थ्योरी दिया था इंफ्रा पॉलिटिक्स का। सो इन्होंने बुक लिखा था जेम्स स्कॉट, सीइंग लाइक द स्टेट। रॉबर्ट जर्विस जो है वो डिफेंसिव न्यू रियलिस्ट हैं। परसेप्शन एंड मिस परसेप्शन, ये सब एकदम डिफाइनिंग बुक है। परसेप्शन मिस परसेप्शन इंटरनल रिलेशन, रॉबर्ट जर्विस। गैलनर की ये डिफाइनिंग बुक है नेशन एंड नेशनलिज्म। एंड कार्ल पोलियानी की भी ये मतलब डिफाइनिंग बुक है द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। कार्ल पोलियानी ने नॉलेज पे काफी काम किया, नॉलेज मैनेजमेंट पे। तो ये सब आसान है। इंफ्रा पॉलिटिक्स में यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बहुत देर हो जाएगा, लेकिन एक लाइन में कि वो ये कहते हैं जिसको कहते हैं वीपन ऑफ द वीक, मतलब कैसे जो लोग दबे कुचले हैं, मार्जिनलाइज हैं, डिसएडवांटेज हैं समाज में, जैसे इंडिया के किसी गांव में वो जैसे ठाकुर है, सर्वशक्तिमान, और वहीं पे दलित हैं जो गांव के बाहर रहते हैं। लेकिन जेम्स स्कॉट कहते हैं कि वो भी जो दबे कुचले लोग हैं वो ठाकुर से रजिस्ट करने के लिए बड़े नायाब तरीके निकालते हैं जो लोगों की नज़र में नहीं आता, लेकिन ठाकुर भी जानता है और दलित भी जानता है कि वो कैसे उसको रजिस्ट करता है। दैट इज द हिज थ्योरी ऑफ इंफ्रा पॉलिटिक्स। यहाँ पे तो कोई भी इजी क्वेश्चन नहीं है। चलिए सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज प्राइमरली। अब ये क्यों ये थोड़ा टफ क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये लैंग्वेज का खेल है। वैसे जो लोग काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ते हैं उनके लिए नहीं। फिर अगेन ये चूंकि यूजीसी नेट से लिया गया है इसलिए टफ हो जाता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज प्राइमरली, अब ये आइडियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट तो हो नहीं सकता है, मेथड ऑफ गवर्नेंस हो नहीं सकता है, ए फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल बेसिकली क्या है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जैसे सिस्टम है, सिस्टम थ्योरी है, उसी तरह से स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है, एक मेथड है पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करने का। ये बेसिकली क्या करता है, ये किसी पॉलिटिकल सिस्टम में ये देखता है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर कौन कौन से फंक्शन कर रहे हैं, क्या एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, जैसे एजुकेशन फंक्शन के लिए बहुत सारे तरह तरह के स्ट्रक्चर हैं, या क्या एक ही स्ट्रक्चर बहुत सारे मल्टी फंक्शन कर रहा है। इस टाइप का जो एनालिसिस होता है, जो रिक्स ने भी किया हुआ है और कई लोगों ने किया है, इस पे जो है आलमंड ने काफी काम किया है, पॉवेल ने काम किया है। तो वो स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म एक फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि इन्वेस्टिगेट करने का पॉलिटिकल सिस्टम को या पॉलिटिकल जो फ्रेमवर्क है उसको। तो इसलिए सही आंसर ये है, इसलिए थोड़ा टफ बन जाता है अब देखिए फिर वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बाय आलमंड एंड पॉवेल, तो एक तो अपने आप में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन की आलमंड एंड पॉवेल इसके जनक हैं, तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में। और ये सेकेंड इन्फॉर्मेशन खुद ये देता है कि ये जो एप्लीकेशन, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो इनका है आलमंड पॉवेल का, वो खुद एप्लीकेशन है किसका, क्या ये लूसियन पाई के मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का। देखिए लूसियन पाई दूसरी बार आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप इसको रट लीजिए कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी या पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये लूसियन पाई, इसको 5 बार याद कर लीजिए। ढल्स पॉलीआर्ची ये भी याद कर लीजिए, कहीं आपको आ जाएगा कि पॉलीआर्ची का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो रॉबर्ट डहल ने दिया था। वही रॉबर्ट डहल जो कि पावर का डेफिनेशन देते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वही रॉबर्ट डहल जो कि ग्रुप थ्योरी लिखते हैं। पॉलीआर्ची भी उसी टाइप की ग्रुप थ्योरी ही है, मतलब कि बहुत सारे लोगों के पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं कंसंट्रेटेड नहीं है। रोस्टोव ने जो है थ्योरी ऑफ ग्रोथ दिया है, 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। तो ये सब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, लूसियन पाई मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, रॉबर्ट डहल पॉलीआर्ची, रोस्टोव थ्योरी ऑफ ग्रोथ। रोस्टोव को आप इससे भी जोड़ सकते हैं कि इन्होंने भी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी लिखा है, इनफैक्ट थ्योरी ऑफ ग्रोथ इज नथिंग बट मॉडर्नाइजेशन थ्योरी या पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी। और ईस्टर्न ने जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम का फ्रेमवर्क दिया है, तो ये चौथा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। और सही आंसर यही है कि ईस्टर्न के पॉलिटिकल सिस्टम फ्रेमवर्क्स को ही आगे जो है आलमंड पॉवेल बढ़ाते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के मेथड से, जो खुद ही मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो आपको कितने सारे क्वेश्चन इससे मिल रहे हैं, 7-8 क्वेश्चन इस 2 क्वेश्चन से बन रहे हैं। The core element common to both classical and structural realism is, अब यहाँ पे देखिए classical और structural realism मतलब हो गया neo realism, ये neo realism है। इसको structural realism क्यों बोलते हैं, क्योंकि classical ये कहता है, मैं दूसरी बार आपको कह रहा हूँ इसी वीडियो में, कि classical कहता है कि nation state का नेचर एक ह्यूमन की तरह होता है, self centered, interested, पावर के पीछे भागने वाला। लेकिन neo realism बोलता है नो, ह्यूमन नेचर की तरह नहीं, ये जो एनार्किकल वर्ल्ड स्टेट सिस्टम है, मतलब इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम जहां पे कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है और सबकी पावर जो है, रिलेटिव पावर बहुत वैरी करता है, कोई बहुत छोटा स्टेट है कोई बड़ा स्टेट है, इसके चलते ये जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम जो है एनार्किकल, वो इस तरह से स्टेट को विवश करता है वैसा बिहेव करने को, जो कि रियलिज्म कहता है। तो इसीलिए क्लासिकल स्ट्रक्चरल रियलिज्म में जो फर्क है वो ये है, ह्यूमन नेचर वर्सेज स्ट्रक्चर। लेकिन दोनों ही जो है 3S को मानते हैं, जो कोर है रियलिज्म का, कि स्टैटिज्म है, मतलब कि स्टेट मेन प्लेयर है, नेशन स्टेट। सर्वाइवल जो है वो एक मेन इशू है स्टेट का इंटरनेशनल, क्योंकि कोई बचाने वाला नहीं है, आपका अपनी मदद खुद करनी है, सेल्फ हेल्प। सो स्टैटिज्म, सर्वाइवल एंड सेल्फ हेल्प आर द 3S ऑफ रियलिज्म, बी इट क्लासिकल और स्ट्रक्चरल, दोनों है। फर्क केवल क्लासिकल में ह्यूमन नेचर एंड नियो या स्ट्रक्चरल में स्टेट सिस्टम के स्ट्रक्चर में बात होती है। इसीलिए इसमें क्या आ जाएगा, द कोर एलिमेंट कॉमन टू बोथ इज ऑल ऑफ दिस। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा क्वेश्चन है। इस स्लाइड में भी दो टफ क्वेश्चन हैं, एक तो मरून है, एक क्रैप है और एक वायलेट है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा पेपर एक टफ डायरेक्शन में है। अब ये देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, विच इन्वायरमेंटल कन्वेंशन वाज एडॉप्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप सीधा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मार देंगे, मैं भी मार सकता था, लेकिन यहाँ पे वर्ड है कन्वेंशन और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटोकॉल है, ये कन्वेंशन नहीं है। और यहाँ कन्वेंशन देखिए तीन है, स्टॉकहोम, बासेल एंड वियना। बेसिकली वियना कन्वेंशन 1985 में होता है और इस कन्वेंशन में एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है कि कैसे ओजोन होल को प्रोटेक्ट किया जाएगा और CFC और जो अदर प्रोडक्ट हैं उसको रोका जाएगा। और उसी कन्वेंशन के बेसिस पे 2 साल बाद 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होती है जिसमें साइन किया जाता है कि CFC को फेज आउट करना है। इसीलिए इसका सही आंसर है वियना कन्वेंशन। मॉन्ट्रियल इज ए प्रोटोकॉल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिए। इसमें जो है सभी देश ने साइन किया कि हम CFC को फेज आउट करेंगे और उससे ओजोन होल को बचाएंगे। तो ये दोनों आपको याद रखना चाहिए, लेकिन सही आंसर है वियना कन्वेंशन। अब MK गांधी रोट एडिटोरियल फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल। ये क्यों आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम किसका लिखा। अब इसका सही आंसर है इंडियन ओपिनियन। इससे आगे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वैसे वो यंग इंडिया के भी एडिटर थे और इन दोनों के नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉल इंट्रोड्यूस द वेल ऑफ इग्नोरेंस बिकॉज। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये वेल ऑफ इग्नोरेंस उसका एक बेसिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का एक डिवाइस है। मतलब क्या है कि जो लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बैठ के बना रहे हैं रॉल के थ्योरी ऑफ जस्टिस में, उनके आंख पे एक पट्टी है या उनका दिमाग जो है मेमोरी लॉस हो गया है। उनको पता नहीं है कि वो किस क्लास को बिलोंग करते हैं, वो रिच हैं कि पुअर हैं, वो दलित हैं कि ब्राह्मण हैं, मतलब कह लीजिए वहां के अनुसार से, या उनके पास क्या पावर है, क्या ऑथोरिटी है। तो जब आप वेल ऑफ इग्नोरेंस होता है तो आप किसी भी तरह का बायस से बचते हैं। तो आप ऐसे रूल बनाइएगा, आपको लगेगा भाई हो सकता है हम सबसे गरीब हों, तो ऐसे रूल बनाएं कि गरीब को थोड़ा फायदा तो हो कि हम जिंदा रहें। तो इसलिए वेल ऑफ इग्नोरेंस का उन्होंने डिवाइस अपनाया। इसमें बेसिकली क्या, इट इज अ डिवाइस टू इलिमिनेट बायस इन रीजनिंग। सही ये है, बाकी आप पढ़ लीजिए, वो उतने सही नहीं है। मैं डिस्कस टाइम को बचाने के लिए इसको छोड़ रहा हूं, लेकिन सही आंसर ये है। ये स्लाइड आपको देखने में अच्छा लगेगा क्योंकि दो इजी हैं और एक जो है मीडियम है। पहला मैच देखिए आसान है, एप्लीकेशन ऑफ वेदांता टू द एवरीडे लाइफ ऑफ द कॉमन मैन। मतलब वेदांता को किसने कॉमन मैन के पास पहुंचाया। ये आप वेदांता जहां भी है, स्वामी विवेकानंद कीजिए, इन्होंने रामकृष्ण मठ के थ्रू जो है इन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया, देश में फैलाया। एप्लीकेशन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ रीजन एंड सोशल यूटिलिटी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको 5 बार पढ़ लीजिए। बेसिकली राजा राम मोहन रॉय का कहना था कि कोई भी जो रिलीजियस जो ट्रेडिशन है या सोशल या सोशियो रिलीजियस कस्टम, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस, कन्वेंशन, उसको आप ना रीजन और सोशल यूटिलिटी के बेसिस पे तौलो कि क्या ये सोसाइटिकली यूजफुल है, क्या ये रीजनेबल है, और तब उसको अपनाओ। ये नहीं कि सती प्रथा चल रही है तो हमको करना है, उसमें रीजन से उसको तर्क करो। तो ये राम मोहन रॉय ने कहा। मॉडर्निटी या क्रिटिसिज्म में दूसरी बार इसी वीडियो में बता रहा हूं कि गांधी जी जो है एंटी मॉडर्निस्ट उनका विचार था। और एडवोकेसी फॉर द एडमिशन ऑफ वुमेन टू मेडिकल कॉलेज, ये मैंने आपको पढ़ाया है। पंडिता रमाबाई कहना था कि वुमेन को डॉक्टर होना चाहिए, वुमेन को टीचर होना चाहिए, वुमेन शुड ट्रीट वुमेन। उनका कहना था कि वुमेन अपनी बीमारी जो है मेल डॉक्टर को बता नहीं पाती, मर जाती है, इसलिए वुमेन डॉक्टर, वो खुद डॉक्टर बनने के लिए इंग्लैंड गई थी लेकिन वो नहीं बन पाई। यहाँ पे जो मैच है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि देखिए जे आर टिकनर तो आप कर देंगे क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इन्होंने मॉर्गेंथाउ के 6 प्रिंसिपल को रिफॉर्मुलेट किया था फेमिनिस्ट वे में, तो इसलिए ये तो कर देंगे। लेकिन सिंथिया इनलोए भी आप कर देंगे क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया है कि इन्होंने जो है क्वेश्चन रेज किया था वेयर आर द वुमेन। इनफैक्ट इन्होंने इस बुक भी लिखा था इसी नेम से कि वेयर आर द वुमेन, और उनका जो बुक जो बहुत फेमस है जिसपे कि क्वेश्चन रेस करती है वेयर आर द वुमेन, वो है बनानाज बीचेज एंड बेसेस। उसी का ये सेकंड पार्ट है, बेसिकल लाइन है। उसमें वो कहती हैं कि मतलब बनाना मतलब क्या, वो खेतों में काम करती हैं, वो बीचेज पे और जो आर्मी बेसेस में, मतलब कि उनका जो उनका रोल क्या है, कितना लिमिटेड, कितना मार्जिन पे है वुमेन का रोल। ये सिंथिया इन लोग कहती है कि वुमेन कहाँ है इंटरनेशनल रिलेशन में। जो चंद्रा मोहंती है, ये आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इंडियन जैसा है, तो आप कह सकते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट हैं और सांड्रा व्हाइटवर्थ जो है फेमिनिस्ट। यहाँ पे दोनों में दिक्कत आएगी, लेकिन दिक्कत इसलिए नहीं आएगी कि इसके ऑप्शन को मैंने यहाँ स्पेस बचाने के लिए नहीं दिया है। यदि आप दो जानते हैं तो आपका काम बन जाएगा। मैचिंग में हमेशा याद रखिए कि एक भी आप जानते हैं तो शायद आपको जो है एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें कि वो मैच होगा, तो आपका काम बन जाएगा। अब यहाँ ये देखिए तो बहुत आसान है। मत्स्य न्याय जो है आपको पता है, मछली का न्याय, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए तो जिसकी लाठी उसकी भैंस टाइप की बात है। तो ये लॉ ऑफ फिशेज है, ये तो इसका ट्रांसलेशन हो गया। आपद धर्म मतलब विपत्ति में धर्म, तो विपत्ति धर्म जो है वो तो लॉ ऑफ द एबनॉर्मल, केवल ट्रांसलेशन है। विजिगुशु जो है आपको याद होना चाहिए, ये मंडला थ्योरी में वो है जो इंटेंडिंग कनकोरे, जो किंग जीत लेना चाहता है सबको, विजिगुशु है। और रिता, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं ये भी डिफिकल्ट, क्योंकि आई इसमें बहुत छोटा बोलते हैं, रित भी बोलते हैं। तो रित जो है वो कॉस्मिक लॉ है वैदिक लिटरेचर में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। रित जो है यूनिवर्सल लॉ और कॉस्मिक ऑर्डर और सिंपली द ट्रूथ है, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर विच रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट द इंटायर यूनिवर्स। मतलब पूरा यूनिवर्स में समझिए कि जो एक सुप्रीम यदि कोई है तो वो जिस तरह से सूरज चांद जैसे रोटेट कर रहा है, सब कुछ सुबह होती है, हवा चलती है, ये सारा जो है रित है, मतलब यूनिवर्सल और कॉस्मिक ऑर्डर है। उसी से जो है हमारा कर्म और हमारा जन्म सब बंधा हुआ है वैदिक थॉट के अनुसार से। तो ये आसान होना चाहिए, क्योंकि आप नहीं भी रिता जानते हैं तो बाकी तीन जानते हैं तो आप मैच कर लेंगे, इवन एक से हो जाता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 49 नंबर देखिए, ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द लीस्ट एडवांटेज। ये आपको पता है कि यही डिफरेंस प्रिंसिपल है जो थर्ड प्रायोरिटी पे रॉल ने रखा था। फर्स्ट प्रायोरिटी पे इक्वालिटी ऑफ लिबर्टी, उसको लिबर्टी प्रिंसिपल था वो था, और सेकंड प्रायोरिटी पर उन्होंने जो है फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिकल ऑफिसर्स ये रखा था। तो ये लेक्सिकल प्रायोरिटी है रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस का, वो जरूर याद रखिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट नंबर पे जो है वो लिबर्टी प्रिंसिपल था, सेकंड नंबर पे फेयर इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल था और थर्ड नंबर पे डिफरेंस प्रिंसिपल था, जिसमें वो कहते हैं कि इनइक्वलिटी उसको टॉलरेट किया जा सकता है इनकम एंड वेल्थ का, यदि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द लीस्ट एडवांटेज हो। तो ये रॉल का जो है थ्योरी ऑफ जस्टिस से रिलेटेड है। वैसे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इससे रिलेटेड मैंने आपको बातें आगे की बताई। ये भी जो है मैच करना आसान है। अब यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं, हिंदू पदशाही जो है वीडी सावरकर की बुक है, व्हील्स ऑफ हिस्ट्री जो है वो राम मनोहर लोहिया ने ये थॉट दिया है। ये तुहफत जैसे आप देखेंगे तो आपको राजा राम मोहन राय याद आना चाहिए। हाई कास्ट हिंदू वुमेन आपको पता है पंडिता रमाबाई ने 1887 में अमेरिका में इसको प्रकाशित किया था। हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर डेमोक्रेसी एज नथिंग मोर देन पीरियोडिक इलेक्शन एंड ऑर्डिनरी थ्रू विच ऑर्डिनरी सिटीजन बियॉन्ड द एक्ट ऑफ वोटिंग शुड हैव नो रोल इन शेपिंग पॉलिसी। अच्छा चलिए ठीक है, इन्होंने दूसरे ढंग से इसको कहा है, मतलब इनका शुमपीटर का ये थॉट है और उन्होंने ये बात यहाँ पे कही थी कैपिटलिज्म सोशलिज्म डेमोक्रेसी में। इसको कई तरीके से आपको जानना चाहिए। ही गेव ए वेरी सिंपल डेफिनेशन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी उनका कहना था कि इसके बहुत ज्यादा इसे आशा मत लगाइए, इट इज मेयरली ए पॉलिटिकल मेथड बाई विच पीपुल इलेक्ट देयर रूलर इन कम्पिटिटिव इलेक्शन टू कैरी आउट देयर विल। मतलब हम अपने राजा को जो हम पे गवर्न करते हैं उसको हम पीरियोडिक इलेक्शन से चुनते हैं, इससे अधिक डेमोक्रेसी कुछ नहीं। इस तरह का जो डेमोक्रेसी के बारे में जो व्यू था वो क्लासिकल जो थॉट था कि एथेनियन डेमोक्रेसी और रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल अब्राहम लिंकन का, उससे बड़ा अलग था। इसलिए इसको इलिटिस्ट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया। इसलिए इनको एक तरह से इलिटिस्ट थिंकर भी माना जाता है, लेकिन ये कोई क्लासिकल इलिटिस्ट नहीं थे जो भी CUET में आया, जैसे कि मोजका हैं या पेरेटो हैं, गैसेट हैं, रॉबर्ट माइकल है, उस टाइप के एलिटिस्ट थ्योरी नहीं थिंकर नहीं थे। सो ये मैंने लिखा है CUET के क्वेश्चन को याद करते हुए। सो जोसेफ शुमपीटर। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि एक बार यदि आप एज ए सिटीजन वोट दे देते हो ना, तो फिर जो है आप ज़्यादा बॉदर मत करो कि आपका रूलर क्या कर रहा है, फिर जब इलेक्शन आएगा तब देखना। आप अपना जो है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी से भूल जाओ कि आपका रोल होगा, आपकी वॉइस सुनी जाएगी पब्लिक पॉलिसी बनने में। सॉरी मैं बहुत तेजी से अब भाग रहा हूँ। 52 है, हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट नेशनलिज्म कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ इंडस्ट्रियल एज। तो यहाँ पे आपको सेकंड टाइम जो है आपको अर्नेस्ट गेलनर दिख रहे हैं, जिन्होंने नेशनलिज्म पे काफी कुछ लिखा है। तो जब नेशनलिज्म पे यदि कोई बात आए तो दो ऑथर को याद कीजिए, एक बेनेडिक्ट एंडरसन को जिन्होंने इमेजिन कम्युनिटी लिखा था, आगे उस पर क्वेश्चन आ जाएगा आपको, और अर्नेस्ट गेलनर को जिन्होंने नेशन एंड नेशनलिज्म लिखा था। ये इजी क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग सेड कास्ट सिस्टम इज नॉट मेयरली ए डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज ऑल्सो डिवीजन ऑफ लेबरर। ये केवल लेबर का ही डिवीजन नहीं है, ये सॉरी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, काम का बंटवारा करते हैं, ये काम करने वालों का भी बंटवारा है। तो ये बहुत फेमस लाइन है अंबेडकर जी का। थर्ड टाइम अंबेडकर के कोट इसमें आ रहे हैं आपके क्वेश्चन में, तो अंबेडकर के कोट्स को आप अच्छी तरह देख लीजिए, 20-25 कोट पढ़ लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग लेड स्ट्रेस ऑन द इमेजिन क्वालिटी ऑफ द नेशनलिज्म। जस्ट मैंने आपको बोला कि एक बुक लिखा था बेनेडिक्ट एंडरसन ने 93 में, इमेजिन कम्युनिटी। उन्होंने डिफाइन किया था नेशन को, नेशन एज ए सोशली कंस्ट्रक्टेड कम्युनिटी इमेजिन बाय द पीपल हु परसीव देमसेल्व्स एज पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। ये कोई रियल नहीं है कि आप एक ग्रुप के पार्ट है, आप इमेजिन करते हैं कि आप एक ग्रुप है, उसी को नेशन उन्होंने कहा था, इमेजिन कम्युनिटी इज ए नेशन। तो बेनेडिक्ट एंडरसन, ये आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गिलनर के साथ में। अब ये चूंकि पूरा रेड है, इस पे लेट मी अलाउ कि हम बहुत तेजी से चलें, इस पे आप मैं बहुत डिस्कशन नहीं करूंगा। अब ये है कि मतलब कौन ऐसा था जिन्होंने इकोनॉमिक्स से जो है पॉलिटिकल बिहेवियर के थ्योरी को निकालने की कोशिश की थी, तो ये हेनरी डॉन्स हैं, आप याद कर लीजिए। किसने ये इससे लिखा, साइंस एज वोकेशन, वोकेशन मतलब प्रोफेशन, तो ये मैक्स वेबर ने लिखा था। ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं है, बट एक लाइन में आप समझ लीजिए। उनका कहना था कि साइंस और सोशल साइंस के बीच में चुनना हो या ह्यूमैनिटीज के बीच में, तो ह्यूमैनिटीज को चुनो, क्योंकि लाइफ के क्वेश्चन का जवाब ह्यूमैनिटीज देता है, ना कि साइंस। Who among the following states public policies whatever government chooses to do or not to do, ये थॉमस आर डाई ने कहा था, सीधा याद कर लीजिए और इससे अधिक मैं डिस्कस नहीं करूंगा। किसने कहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सीमलेस वेव, तो ये जो है इस तरह की बातें जो है मैंने अपने गाइड में लिखा हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं, ये इन्होंने जो है ग्रेवनल ऑस्टिन ने कहा था। उन्होंने एक बुक लिखा था ये, वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस, उसमें इन्होंने ये बात कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीमलेस वेव। 59 नंबर क्वेश्चन, अब आपको एकदम लड्डू क्वेश्चन लगे थे, आप मेरे साथ बने हुए हैं, लेकिन फिर भी जो उन स्टूडेंट के लिए जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उसके लिए टफ हो सकता है कि किसने इंडिया को क्वाज़ाई कन्फेडरेसी कहा। कन्फेडरेसी से कंफ्यूज जाएंगे, इसलिए मैंने इसको लाल लगाया है, क्योंकि क्वाज़ाई फेडरल स्टेट कहा था केसी वेयर ने, और वही यहाँ पे भी आएगा, उससे अधिक इसमें नहीं है, कन्फेडरेसी या फेडरलिज्म जो भी कह लीजिए। अब यहाँ पे जो मैंने कुछ दिया हुआ है, जैसे मॉरिस जॉन्स ने ये सब बुक लिखा है, उन्होंने भी जैसे सिंगल पार्टी डोमिनेंस कहा इंडियन पॉलिटिक्स को, एंड ये जो मैरिन वेनर जो हैं उन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी लिखा है, चाइल्ड एंड स्टेट इन इंडिया लिखा है, एंड केसी वेयर ने फेडरल गवर्नमेंट ये बुक लिखी है, जिसमें उन्होंने इंडिया को क्वाज़ाई फेडरल करार दे दिया। हु अमंग द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट क्लेम दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए साइंस, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपको जानना चाहिए। यहाँ पे मैंने अपने ही गाइड से ये कॉपी पेस्ट किया है। रॉबर्ट डहल जो है एक बुक लिखते हैं या आर्टिकल कह लीजिए, साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम। वो कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कभी प्योर साइंस नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अनलाइक नेचुरल साइंस इसमें 3 प्रॉब्लम है इंटर रिलेटेड। एक है वैल्यू का, आप ह्यूमन से वैल्यू को अलग नहीं कर सकते हैं, डेविड ईस्टर्न को याद कीजिए। कल्चर का मतलब जो हम सीखते हैं, आर्ट, क्राफ्ट, वे ऑफ लाइफ, वो कल्चर होती है, उसको भी आप अलग नहीं कर सकते सोशल साइंस से। और बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर जो है ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, कभी वो चेंज करता रहता है, प्राइस होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। इन तीनों इंटर रिलेटेड इशू के चलते आप कभी भी साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बना सकते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन बहुत आसान पूछा जा रहा है कि हु क्लेम दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी ए साइंस लाइक दैट, तो वो तो रॉबर्ट डहल है, लेकिन उसके अंदर की बात यह है कि आगे पूछा जाए। हु अमंग द फॉलोइंग, ये यूजीसी नेट सब के लिए हो सकता है आपको हेल्प। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ इंडिफरेंस, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको लगना चाहिए यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं। चेस्टर बर्नार्ड जिन्होंने फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव लिखा, उसमें उन्होंने जोन ऑफ इंडिफरेंस का कॉन्सेप्ट दिया था। मतलब वो कहते हैं कि सबऑर्डिनेट के दिमाग में एक जोन होता है, जिसको जोन ऑफ इंडिफरेंस कहिए, उसके अंदर में जो भी ऑर्डर या कम्युनिकेशन फॉल करता है बॉस का, उसको सबऑर्डिनेट बिना सोचे हुए फॉलो करता है। मैंने कई बार आपको एग्जाम्पल दिया है, यदि कोई सरकारी दफ्तर में कोई ऊंचा अधिकारी प्यून को घंटी बजाकर बोलता है कि ये फाइल को यहां से वहां ले जाओ, ये जोन ऑफ इंडिफरेंस में फॉल करता है, वो एकदम सीधा बिना किसी ये के सर झुका के बोलेगा यस सर और ले जाएगा। लेकिन यदि उसी घंटी बुला करके वो ये कहे कि तुम जाओ ये पैसे लो और मेरे बाजार से सब्जी खरीद के और मैडम को दे देना, तो उसके आंखों में एक क्वेश्चन मार्क आ सकता है, वो जोन ऑफ इंडिफरेंस के बाहर होता है, वो आपका मान भी सकता है नहीं भी मान सकता है। तो ये है, इसी बात को जो है हर्बर्ट साइमन ने जोन ऑफ एक्सेप्टेंस नाम से थोड़ा अलग करके थ्योरी दिया, वो भी कई बार पूछा जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए लिबरल थिंकर, इसमें जो है थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन आपको माइकल डोयल जिन्होंने की डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी जो है लिखा, जो 14 पॉइंट प्रिंसिपल पे एक तरह से के आगे का था, जो वुडरो विल्सन ने दिया था, और ये दोनों ही जो हैं इमैनुअल कांट के परपेचुअल पीस पे आधारित है। इसके अलावा जॉन आइकनबेरी जो हैं वो भी एक लिबरल थिंकर हैं, जिन्होंने बुक लिखा था आफ्टर विक्ट्री एंड लिबरल लेबाइथियन। जॉन आइकनबेरी, रॉबर्ट कोहेन तो आपको पता है उन्होंने कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस दिया। तो इन तीनों को यदि आप एलिमिनेट करेंगे तो स्टीफन वॉल्ट बच जाएंगे, जो कि अपने को सॉफ्ट रियलिस्ट मानते हैं। यहाँ पे दो इजी क्वेश्चन है, एक राहत के सांस आप ले सकते हैं। वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है मैंने पूरे यहाँ पे लिखी नहीं है क्योंकि बहुत लंबा लाइन लिखे हुए थे। आपको पता है कि वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है, वैसे इसको पढ़ लीजिए। यही बात है, बेसिकली एक कंसेंसस था नियो लिबरल, पूरे दुनिया में कैसे जो है लाना है नियो लिबरल इकोनॉमिक व्यवस्था आफ्टर द कोल्ड वॉर एंड। और ये एक तरह से वॉशिंगटन में एक कंसेंसस बनी थी। जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है और जो यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, उन्होंने 10 पॉइंट प्रोग्राम बनाया कि आईएमएफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करेगा, वो लोन देगा। वो इंडिया भी उसके चपेट में आया 1991 में, जिसको हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहते हैं। वो भी वॉशिंगटन कंसेंसस के ही आइडियोलॉजी या डॉक्ट्राइन पे हुआ। The emergence of public administration as a discipline is associated with which of the following? ये आपको याद रखना चाहिए कि मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो है हर 20 साल पे होता है। पहला 1968 में, सेकंड 1988 में, थर्ड 2008 में और नेक्स्ट 2028 में होना चाहिए। वो उसका बहुत रोल है इवोल्यूशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन। Which of the following is not true of Rousseau? रूसो का देखें, ही वांट्स टू रिकनसाइल लिबर्टी विद सॉवरेंटी। ये सही है, बहुत सारी चीजों को रिकनसाइल अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करना चाहते थे। सॉवरेंटी ओरिजिनेट्स इन पीपल एंड गेट ट्रांसफर टू रूरल, ये बिल्कुल सही नहीं है। उनका कहना था कि सॉवरेंटी ओरिजिनेट इन पीपल रिमेन इन पीपल, पॉपुलर सॉवरेंटी वो किसी को ट्रांसफर नहीं होता है, कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता है किसी रूरल को, जो लेवाइथन जैसे हॉब्स का वो काटते हैं। इसलिए ये गलत है, इसलिए यही सही आंसर है। जनरल विल इज ऑलवेज मोरली राइट, सही है। ही होल्ड्स ए पॉजिटिव व्यू ऑफ लिबर्टी, ये तो है ही, वो लिबर्टी के पॉजिटिव व्यू रखते थे, इसलिए एशिया बर्लिन उसकी बुराई करते हैं। इसलिए सही आंसर इसमें है 2। ये स्लाइड बहुत आपको राहत देना चाहिए क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन मेरे हिसाब से आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ मार्क्स व्यू ऑफ स्टेट। मैंने आपको बताया कि मार्क्स का व्यू स्टेट के बारे में क्या था कि स्टेट द प्रोलेटेरिएट विल नीड टू कैप्चर स्टेट पावर, तो था ही डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट उन्होंने कहा था। द स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास एक्सप्लॉयटेशन, यही तो उनका मेन थीम था कि स्टेट खुद ही जो है कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को बढ़ाने वाला बन जाता है, वो खुद एक्सप्लॉयटेटर बन जाता है। द स्टेट इज नेसेसरी फॉर रिजॉल्विंग क्लास कॉन्फ्लिक्ट, क्यों कहेंगे वो स्टेट को, तो वो डिराइड करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, इसलिए ये जो है गलत है, इसलिए यही सही आंसर है। द स्टेट विल विदर अवे, यस, उनका मानना था कि स्टेटलेस एक बार समाज हो जाएगा जो कम्युनिज्म होगा। Which of the following is not the basic principle of Morgenthau? Realism. Morgenthau का realism का कौन सा नहीं है? Politics is governed by universal moral value. क्यों बोलेंगे ये तो आप, इनका कहना था कि पॉलिटिक्स जो है यूनिवर्सल मोरल वैल्यू से सेपरेट है। पॉलिटिक्स इज ऑटोनोमस ये कहते थे। पॉलिटिक्स इज रूटेड इन ह्यूमन नेचर, जो क्लासिकल रियलिज्म का कोर थीम है, मैं तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ। नेशनल इंटरेस्ट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, ये तो बिल्कुल आपको याद कर लेना चाहिए। तो इनका एक फेमस लाइन है और ये क्लासिकल रियलिज्म का एक कोर थीम भी है, इसलिए सही आंसर है दिस 1। विच ऑफ द फॉलोइंग पैक्ट्स रिजल्टेड इन ए कम्प्रोमाइज बिटवीन अम्बेडकर एंड गांधी। 1932 में पूना पैक्ट हुआ, वो क्यों हुआ? पूना पैक्ट इसलिए हुआ क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, उन्होंने कह दिया कि दलितों को हम सेपरेट इलेक्ट्रोरेट दे देंगे, जैसे हमने मुस्लिम को दिया है, सिख की भी बात हुई थी। और गांधी जी अमरन अनशन पे बैठ गए, अंबेडकर जी को उनके साथ अंडर प्रेशर समझौता करना पड़ा। पुणे पैक्ट उसमें उन्होंने कहा ठीक है, ज्वाइंट इलेक्ट्रोरेट रहेगा लेकिन रिजर्वेशन रहेगी, इसी के चलते दलितों को रिजर्वेशन मिला। पूना पैक्ट से जो है अम्बेडकर जी काफी दुखी हुए कि गांधी जी ने जिद करके उनसे सेपरेट इलेक्ट्रोरेट हटवा लिया। गांधी जी कहना था कि यदि सेपरेट इलेक्ट्रोरेट का हुआ तो इंडिया बिल्कुल टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा, तो इसलिए आप इसको नहीं भूल सकते हैं। यहाँ मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया है। Which of the following treaties ended in 30 years war? ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है, जिसने की वेस्टफेलियन स्टेट मॉडल दिया। लेकिन इसके अलावा ट्रीटी ऑफ वियना क्या है पढ़ लीजिए, मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यूथरेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी, ये दोनों है, इन दोनों को पढ़ लीजिए। और ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी, जो कि बीज बोया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जिसमें ह्यूमिलिएट किया गया था जर्मनी को, जिसके चलते हिटलर का उदय हुआ, फासिज्म का उदय हुआ। ये सब पढ़ लीजिए, मुझे टाइम बिल्कुल नहीं है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, अदरवाइज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन, एक बिल्कुल बेकार क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सप्तांगा थ्योरी, जिसमें 7 एलिमेंट है स्टेट के, उसमें से कौन कौन है? प्राकृत बोलते हैं उसको, मतलब 7 एलिमेंट, लिम्स ऑफ द स्टेट। तो इसमें देखिए मिनिस्टर तो था, जिसको आमात्य बोलते हैं, टेरिटरी मतलब जनपद, पीपल था, नेशनलिज्म बिल्कुल उसमें नहीं था, द रूरल स्वामी था, इसलिए मैंने यहाँ 7 एलिमेंट लिख दिया, आप इसको पढ़ लीजिए। ये 7 है, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ये 7 एलिमेंट जो है सप्तांग थ्योरी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट ए सेंट्रल आइडिया ऑफ द इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्कूल ऑफ इथनिसिटी, क्या है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है, यदि आप इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का मीनिंग समझते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिज्म समझते हैं, तो आप ये अंग्रेजी का वर्ड इंस्ट्रूमेंटल मतलब क्या होता है, कोई चीज किसी चीज के लिए यदि आपको हेल्प करता है तो वो उसका इंस्ट्रूमेंटल यूज है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि यदि कोई बोले कि हम रिलीजन से हम तो एथीस्ट हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिलीजन लोगों को डराने में बहुत काम आता है, तो वो रिलीजन का इंस्ट्रूमेंटल व्यू ले रहा है। तो यहाँ पे यदि आप ये लाइन देखेंगे ना इथनिसिटी का, तो ये इंस्ट्रूमेंटल व्यू है। इसके अलावा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठहर करके इसको पढ़ लीजिएगा क्यों ये इंस्ट्रूमेंटल व्यू है, बाकी नहीं है, आप सोचिएगा इस पर। इसमें एक क्वेश्चन इजी सबसे पहले देखते हैं, लोहिया का सप्त क्रांति में इसमें से which is not a feature of Lohia's Sapt Kranti, 7 revolution। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 7 revolution कौन कौन थे, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप पढ़ लीजिए। यदि आप उसमें देखेंगे तो इसमें वायलेंट रिवोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, बाकी है वोमेन है, एबोलिशन कास्ट है, इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड ब्ला ब्ला, और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये नहीं है, इसलिए सही आंसर है 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू ऑफ हॉब्स, अब हॉब्स के बारे में तो मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया है। अब यहाँ पे देखिए वो कहते हैं कि देयर इज नो ओकेजन फॉर डिसओबेइंग द सॉवरेन, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट सॉरी मैं यहाँ पे देना चाहता था कि किस किस कंडीशन में लिखना चाहता था, उसे मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि यदि आपके जान पे बनाए और आपकी जान को खतरा हो तो आप बचाने के लिए उसके बात को नहीं मान सकते, उसके लॉ को नहीं मान सकते। यदि आपके फैमिली के ओनर पे आ जाए, फैमिली के इज्जत पे आ जाए, या ऐसे कंडीशन में जहाँ की सॉवरेनिटी कोई खतरे में नहीं है लेकिन आपका जान खतरे में है, जैसे एक सेना का सिपाही जो है देख रहा है कि 100 की सेना आ रही है और उसके सामने वो लड़ करके जीत नहीं सकता है, लेकिन वो यदि भाग जाए तो अपनी जान बचा सकता है, लेकिन उससे कोई सॉवरेनिटी को कोई खतरा नहीं है, उसका देश जो है वो बिल्कुल परतंत्र हो जाएगा। तो ऐसे में उसको फील्ड से भाग जाना चाहिए, अपनी जान बचानी चाहिए। तो इस टाइप की बातें उन्होंने काफी कुछ कही है कि डिसओबे कर सकते हैं आप सॉवरेन को। बाकी सब सही है, आप पढ़ लीजिएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। Which of the following statement best describe the scientific character of comparative politics? ये अगेन लैंग्वेज का खेल है, यदि आप इसको ठीक से पढ़िएगा तो आप समझ जाइएगा कि केवल एक ही इसमें सही हो सकता है, वो ये है comparative political analysis is a type of science that probably cannot produce knowledge of the same degree of certainty as the physical science। ये किसी भी social science के बारे में सही है, केवल comparative politics नहीं, कि सभी कोई साइंस इसलिए है कि वो साइंटिफिक वे में ही एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन नेचुरल साइंस के जैसा डेफिनेटिव जो है वो थ्योरी नहीं दे सकता है, क्योंकि सोशल साइंस में ह्यूमन इन्वॉल्व है और ह्यूमन का नेचर जो है उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, वो एटम के नेचर के जैसा नहीं है, मैकेनिक्स के जैसा नहीं इसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसलिए ये सही आंसर है। 2 इजी क्वेश्चन सबसे पहले चलिए देखते हैं। यहाँ पे ग्लोबल कॉमन्स में पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन करेक्ट नहीं है ग्लोबल कॉमन्स के बारे में। यदि आप इसको गौर से पढ़िए तो यहाँ पे देखिए दे आर ओन्ड बाय नेशन स्टेट, क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। ग्लोबल कॉमन्स, कॉमन का मतलब ये है कि वो किसी नेशन स्टेट की संपत्ति नहीं है, वो वर्ल्ड की कॉमन संपत्ति है, इसीलिए ये गलत है। बाकी 3 सही है, उसको पढ़ लीजिएगा। ग्लोबल कॉमन्स जो है ये आपको पता होना चाहिए कि ये 5 हैं, हाई सी एंड डीप ओशन बेड जो हैं, ग्लोबल एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस और अंटार्कटिका का पूरा कंटिनेंट, ये ग्लोबल कॉमन्स हैं। और इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे भी इसमें कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा, अभी डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज नॉट फाउंड इन क्लासिकल रियलिज्म, क्लासिकल रियल, ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लासिकल रियलिज्म इससे में से कौन इसमें से रिलेटेड नहीं है? द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एनार्किक, ये बिल्कुल रिलेटेड नहीं है क्लासिकल रियलिज्म से, मैं आपको दूसरी बार बता रहा हूँ, क्योंकि क्लासिकल रियलिज्म जो है वो ह्यूमन नेचर के बेस पे स्टेट के नेचर को देखता है, और जो स्ट्रक्चरल रियलिज्म है जिसको नियो रियलिज्म बोलते हैं, वो ये कहता है कि द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एनार्किक, उसके बेसिस पे वो स्ट्रक्चरल रियलिज्म या नियो रियलिज्म बनता है। बाकी तीनों सही है, इसको देख लीजिएगा। Which of the following proposition is not given by the theories of complex इंटरडिपेंडेंस? ये जोसेफ नोए और रॉबर्ट कोए ने दिया था। इसमें बेसिकली लिबरलिज्म का थ्योरी है जो कहता है कि कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, मल्टीपल लेवल ऑफ हिरार्की है, मल्टीपल एक्टर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, नॉन स्टेट नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स भी या कॉमर्शियल मल्टीनेशनल सब एक वेब बनाते हैं और उसके थ्रू जो है एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ा हुआ है। बहुत सिंपल ये जुड़ाव नहीं है। लेकिन इसमें एक बात वो कभी नहीं कहते हैं कि द स्टेट इज ए यूनिटरी एक्टर। मतलब स्टेट यूनिटरी एक्टर मतलब क्या हुआ कि इसके अलावा और कोई एक्टर नहीं है आईआर में। ये तो बेसिकली रॉन्ग है। इनका कहना है कि मल्टी एक्टर सिनेरियो होता है। स्टेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर इन आईआर, लेकिन और एक्टर्स भी हैं जो मैंने आपको बताया, सिविल सोसाइटी हैं, एनजीओज हैं या अदर मीडिया हैं, इन्फ्लुएंस करने वाले पीपल हैं, उसके साथ में जो है वो स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के बाकी तीनों सही है, इसको गौर से पढ़ लीजिएगा थोड़ा रुक करके। तीनों ही क्वेश्चन मीडियम टू टफ। यहाँ फिर देखिए मैं आपको बता रहा था कि ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स मतलब ग्लोबल कॉमन्स एक बार फिर आएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है ग्लोबल कॉमन्स से। अब ये कहते हैं कि किस ऑथर ने जो है ये कॉन्सेप्ट दिया था ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। इनफैक्ट उन्होंने एक बुक लिखा था ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स करके, जिसपे की पिक्चर उक्चर भी बनी है। ये गैरेट हाजिन है, ये आप भूल नहीं सकते। मैंने अपने पीपीटी में इसको काफी एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए सही आंसर है गैरेट हार्डिन। Which of the following was not a distinctive feature of धर्मशास्त्र ट्रेडिशन? धर्मशास्त्र मतलब जैसे मनु स्मृति हो गई और इस टाइप के जो स्मृतिज एंड अदर जो हैं, शुक्राचार्य नीति एंड ऑल, तो या याज्ञवल्क्य नीति एंड ऑल, तो धर्मशास्त्र ट्रेडिशन ऑफ, इसमें देखिए ये सब सही है, आप पढ़ लीजिएगा ये। लेकिन आप पढ़िए जरा सा, स्कॉलर्स कंसंट्रेटेड ऑन द नेचर एंड मैकेनिक्स ऑफ पावर। ये क्यों? ये सब धर्मशास्त्र में इस तरह की बातें होती नहीं। यहाँ पे धर्म की बातें होती है, ड्यूटीज की बातें होती हैं, वो जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी बातें होती है, इसकी बात नहीं होती, इसलिए सही आंसर ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दूसरी बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ग्लोबलिस्ट या ग्लोबोफाइल्स, स्केप्टिक्स एंड ट्रांसफॉर्मेंसलिस्ट, ये हम लोग दूसरी बार डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, बोथ ग्लोबलिस्ट मतलब जो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं एंड स्केप्टिस्ट बिलीव दैट द स्टेट आर लूजिंग देयर पावर इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। अब यहाँ पे हम लोग इस पे आएंगे, लेकिन ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आपको मैंने बताया है कि ग्लोबलिस्ट बिलीव करते हैं कि रोल ऑफ द स्टेट इज इरोडिंग इन द प्रेजेंट टाइम, क्योंकि वो तो ग्लोबलाइजेशन देख रहे हैं। जबकि स्केप्टिस्ट कहते हैं कि नहीं, स्टेट का जो रोल एकदम इंटैक्ट है, इसलिए ये तो कह ही नहीं सकते हैं कि वो इरोड कर रहा है, इसलिए सही आंसर इसमें है 2। इसमें दो इजी क्वेश्चन हैं, एक टफ। सबसे पहले इजी क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ एनालिसिस इज नॉट डिस्कस्ड बाय वॉल्ज इन हिज बुक? अब ये देखिए, एक क्वेश्चन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वॉल्ज ने, माइकल वॉल्ज जिन्होंने कि नियो लिबरलिज्म की स्थापना की, ही फाउंडेड, उन्होंने बुक लिखा था मैन द स्टेट एंड वॉर। उसमें उन्होंने लेवल ऑफ एनालिसिस भी किया था, मैंने आपको बताया। कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली। अब उसमें जो है उन्होंने कहा था स्टेट लेवल, इंडिविजुअल लेवल, सिस्टमिक मतलब इंटरनेशनल लेवल, और ये लेवल तो कहीं था नहीं, इसलिए सही आंसर यही हो गया। अब ये आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको मैं पढ़ देता हूँ। बोथ गांधी एंड टैगोर रिगार्डेड नेशनलिज्म एज ए मिनेस। चलिए इस पे आगे बढ़ते हैं। बोथ गांधी, इसमें कह रहा है कौन सा ट्रू है? बोथ गांधी एंड टैगोर एडवोकेटेड द यूज ऑफ चरखा। बिल्कुल ये सही नहीं है। चरखा को मतलब टैगोर जो है डिराइड करते थे, दूसते थे, तो ये नहीं सही है। और टैगोर जो है नेशनलिज्म को मीनेस मानते थे, लेकिन गांधी जी नहीं, तो ये भी ट्रू नहीं है। टैगोर डिसरिगार्डेड विथ गांधीज प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन, ये सही है। मतलब क्योंकि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वो क्रिटिसाइज करते थे कि इस तरह से हमें आइसोलेट हो जाएंगे हम, तो इसलिए ये सही आंसर ये हो गया। टैगोर सपोर्टेड द यूज ऑफ वायलेंस वाइल गांधी अपोज द यूज ऑफ वायलेंस। ये थोड़ी ऐसा है, दोनों ही वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए सही आंसर है टैगोर डिसएग्रीड विद गांधीज प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? अब ये क्वेश्चन देखिए, आपको देख के लगेगा कि थोड़ा टफ है, क्योंकि It was the first modern industrialized total war. It was fought between 1939. It began between European states fought in European battlefield. It is also known as the Great War. तो ये तो चार ऑप्शन आपको लगेगा कि इसमें ये सही है, वो सही है, लेकिन ये देखिए इसके ऑप्शन किस तरह से बनाए हैं। It was fought between 1939-45. यदि कोई भी आप जानते हैं कि 19 14 से 18 के बीच में होता है, इतना तो आपको पता होगा। तो इसका मतलब टू ऑप्शन इसमें नहीं हो सकता है। इसमें देखिए ये भी टू है, ये भी टू है, ये भी टू है, तो ये तीन तो ऐसे ही खत्म हो गए, तो केवल यही सही है। तो कई बार आप इस तरह से एलिमिनेट करके भी जो है ऑप्शन चुन सकते हैं, और ये कला यदि आप सीख जाएंगे तो बहुत सारे नंबर आप ले आएंगे थोड़े थोड़े नॉलेज होने पे भी। एमसीक्यू में 100% नॉलेज नहीं चाहिए, आप समझिए, और 100% आप जान भी नहीं सकते, आप कंप्यूटर हो जाएंगे। थोड़े थोड़े नॉलेज से कहीं कहीं से आप पकड़ करके आप ऑप्शंस जो है चुन सकते हैं। 85 देखिए, हु गेव द डोमिनो थ्योरी अबाउट द जियोपॉलिटिकल कंसिक्वेंसेज ऑफ द विक्ट्री ऑफ वियत मिन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। अब 1955 में ऐसा हुआ था, वियत मिन जो मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, हो ची मिन उनके लीडर थे, उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था। उसके बाद वहाँ पे 20 साल तक लड़ाई चली है, बाद में अमेरिका भी कूद पड़ा, और वो डोमिनो थ्योरी के ही बेसिस पे कूदा था। बेसिकली डोमिनो थ्योरी, डोमिनो होता क्या है यहाँ पे समझिए, ये वेस्टर्न वर्ल्ड का ये थॉट है, हम लोग ताश के पत्ते कहते हैं, ये डोमिनो इस टाइप का ब्लॉक होता है, एक को आप धक्का मारिए और देखिए कैसे लुढ़क करके सब डर गिर पड़ेगा, ये डोमिनो इफेक्ट होता है, चेन इफेक्ट भी कह सकते हैं। ये प्रेसिडेंट आइजनहॉवर ने ये थ्योरी दिया था। उन्होंने कहा कि देखो, यदि एक जगह तुमने ना, ये एकदम बहुत ही कम्युनिकेटिव डिजीज के जैसा है, यदि एक कोरोना जैसा है, मतलब एक जगह यदि तुमने रोका नहीं ना कम्युनिस्ट का किसी कंट्री को कम्युनिस्ट बनने से, यदि बन गया वो, तो वो दूसरे नेबरिंग कंट्री को कम्युनिस्ट बनाएगा और तुरंत पूरा दुनिया कम्युनिस्ट हो जाएगा। इतना डरते थे कम्युनिज्म से, कंटेनमेंट थ्योरी याद कीजिए। तो इसके चलते उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो विटामिन ने जो जीता है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इस वॉर में कूदेंगे, इसको रोकेंगे, कंटेन करेंगे, जिससे कि ये बीमारी की तरह पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैल ना जाए। और कूद पड़ा अमेरिका वियतनाम वार में, जो डिसास्टर था उसके लिए। हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड, अच्छा प्रेसिडेंट आइजनहॉवर, बाय द वे एक क्विज क्वेश्चन है कि ये पहले यूएस प्रेसिडेंट से जो इंडिया आए थे आजादी के बाद इंडिया के, इसको चेक कर लीजिए, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ। हु फर्स्ट डिस्क्राइब कांग्रेस हेजमनी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ये तो बहुत ही लड्डू टाइप का क्वेश्चन है, आपको पता है, रजनी कोठारी द कांग्रेस सिस्टम। इसी बात को मॉरिस जॉन्स ने जो है सिंगल पार्टी डोमिनेंस भी कहा था। अकॉर्डिंग टू फूको, पावर नॉलेज रिलेशनशिप कैसा है, ये मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बीइंग ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आपको पता भी होना चाहिए, वैसे तो इसका है म्यूचुअली कंस्टिट्यूटिव, लेकिन इसका मायने क्या है, म्यूचुअली कंस्टिट्यूटिव का मायने क्या है। फूको कहते हैं कि नॉलेज जो है ना पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, मत समझिए कि नॉलेज बड़ा ही टेक्नोक्रेटिक और वैल्यू न्यूट्रल एंड पॉलिटिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। नॉलेज जो है वही क्रिएट करता है जिसके पास में पावर होती है, और वो क्रिएशन डिस्कोर्स के थ्रू होता है। डिस्कोर्स क्या होता है, लैंग्वेज, स्पीच, मास मीडिया से आप जो है नॉलेज को क्रिएट करते हैं, वो कोई सच्चाई से उसका नाता नहीं है। नॉलेज वही है जो पूरी दुनिया मान ले कि सही है, उसी को नॉलेज कहते हैं। और ये पावर में बैठा हुआ जो एंटिटी है, व्यक्ति है, ग्रुप है, वो या नेशन, वो क्रिएट करता है नॉलेज। और जो जितना नॉलेज क्रिएट करता है और लोग यदि मान ले उसको नॉलेज, तो वो उतना ही और पावरफुल होते जाता है। तो पावर क्रिएट नॉलेज, नॉलेज गिव्स मोर पावर, पावर क्रिएट नॉलेज, और ये एक साइकिल चलता रहता है, साइकिल चलता रहता है। यही उन्होंने कहा था फूको ने। इस पे और डिस्कशन मैं अभी यहाँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट है। 2 वायलेट एक रेड, टफ स्लाइड है ये। According to Hind Swaraj, the major obstacle in Indian self government is, हिंद स्वराज पे थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ दिया कि मतलब सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया में होने के में रुकावट क्या है, तो अभी चलिए डिस्कस नहीं करते हैं। उनका ये सेक्टेरियन नेशनलिज्म के अगेंस्ट थे, इनफैक्ट इसी के लिए तो गांधी जी ने अपना जान दे दिया। सेक्टेरियन नेशनलिज्म क्या है कि सिख का अलग राष्ट्र होगा, मुस्लिम का अलग राष्ट्र होगा, हिंदू का अलग राष्ट्र होगा, इस टाइप के जो राष्ट्रवाद के वो खिलाफ थे। तो उनका कहना था कि इस टाइप की जो सोच है वही हमें जो है रोकेगी स्वराज से, हिंद स्वराज से, तो ये सही है। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, डंडा इज द सिंबल ऑफ, उन्होंने डंडा एक दंड नीति, स्टेट क्राफ्ट को उन्होंने दंड नीति कहा। दंड नीति बेसिकली जो है वो डिसिप्लिन है, इट इज नॉट सिंपल पनिशमेंट, दंड का मतलब पनिशमेंट होता है, लेकिन स्टेट क्राफ्ट में कि कैसे जस्ट वे में पावर का यूज किया जाए लॉ ऑर्डर पीस मेंटेन करने के लिए एक स्टेट में, उसको उन्होंने दंड का, पूरी गवर्नेंस जो है वो दंड नीति है अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रदीप छेबर, weak associational life in India results in blah blah blah. I am not going to discuss. लेकिन ये पढ़ लीजिएगा कि उन्होंने एक बुक लिखा था डेमोक्रेसी विदाउट एसोसिएशन, और उसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि इंडिया में बिना एसोसिएशन के डेमोक्रेसी होती है, उससे स्टेट जो है बहुत एक्टिव हो जाता है, और इसीलिए आज का रिलीजियस और कास्ट बेस्ड जो है बेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज का जमाना हो रहा है। उन्होंने बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इनको नहीं पूछना चाहिए। ये भी यूजीसी नेट से कॉपी पेस्ट है। 91 नंबर क्वेश्चन देखें, अगेन रूडोल्फ आते हैं परस्यूट ऑफ लक्ष्मी जो है वो आप याद कर लीजिए। और वहाँ पे वो एक बात और ये कहते हैं कि कास्ट को वो बड़ाई करते हैं कि कास्ट ने यहाँ पे एक और रोल किया है, इसने डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने में हेल्प किया है, उनका कहना है। और उसमें से बहुत सारे गिनाते हैं, जैसे कि कास्ट जो है इट प्रोड्यूसेस न्यू सेट ऑफ कास्ट लीडर। आपने देखा है कि कास्ट पॉलिटिक्स ने कैसे जो है दबे कुचले लोगों को आवाज़ दी, दलित पॉलिटिक्स हो चाहे बैकवर्ड क्लास कास्ट पॉलिटिक्स हो। इट इंश्योर्स एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज बाय द स्टेट, रिजर्वेशन पॉलिसी जो आई ओबीसी के लिए मंडल कमीशन, वो सब कास्ट पॉलिटिक्स का ही नतीजा था, वो भी डेमोक्रेसी को बढ़ाती है, डीपेंड करती है। इसको मैं छोड़ रहा हूँ। इट कैपेसिटेट्स ए पॉलिटिकली इलिटरेट मास इलेक्टोरेट टू ऑर्गेनाइज, कैसे जो है दबे कुछ लोग जो अधिकतर अनपढ़ थे वो कैसे कास्ट पॉलिटिक्स चलते अवेयर हुए, पॉलिटिकली अवेयर हुए, सिटीजन बने। लेकिन ये जो है ऑड वन आउट है, मेक्स कास्ट ए सेक्रेड, मतलब कि एक रिलीजियस रादर देन ए सेकुलर। नो, कास्ट पॉलिटिक्स का रिलीजन से नाता नहीं है, वो अलग है, इसलिए इनफैक्ट रिलीजियस पॉलिटिक्स काटती है कास्ट पॉलिटिक्स, तो मंडल वर्सेस मंदिर हम लोग कहते हैं, इसलिए ये ऑड वन आउट है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द स्टेट इज द हाईएस्ट एसोसिएशन बिकॉज इट एम्स एट मोरल फुलफिलमेंट ऑफ सिटीजन। सिंपल, एक स्टेट एक इथिकल मोरल इंस्टीट्यूशन है जो यूडिमोनिया अटेन करने में इंडिविजुअल को हेल्प करता है। यूडिमोनिया मतलब वो हैप्पीनेस फ्लरिशमेंट है जिसके लिए कि ह्यूमन का वो फाइनल कॉज है जिसके लिए नेचर ने उसको बनाया है। तो ये एक मोरल एंड इथिकल इंस्टीट्यूशन है, और यहीं पे जो है स्टेट जो है इंडिविजुअल और कम्युनिटी दोनों का गुड लाइफ जो है सिक्योर करता है। द टर्म कमांड पार्ट पॉलिटी एंड डिमांड पॉलिटी, मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ये अगेन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, तीन चार क्वेश्चन एक ही बुक से पूछे हैं परस्यूट ऑफ लक्ष्मी। अगेन ये रूडोल्फ और रूडोल्फ ने जो है कमांड पॉलिटी वर्सेस डिमांड पॉलिटी अपने बुक परस्यूट ऑफ लक्ष्मी में दिया था। 94 एक लड्डू क्वेश्चन है, सप्तंगा थ्योरी स्टेट का जो है किस बुक में था, आपको पता है, सबको पता होगा, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी लड्डू क्वेश्चन। 9th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट, आपको सबको पता है फर्स्ट अमेंडमेंट जो 1951 में आया था। ये आप याद कर लीजिए कि इसी में 19(2) जो है वो भी इंसर्ट किया गया था, जिसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारे राइट टू फ्रीडम पे लगा दिए गए थे। ये भी पूछा जाता है, यहाँ पे 9 शेड्यूल के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इसमें सारे लैंड रिफॉर्म के एक्ट को एक नया शेड्यूल बना के डाल दिया गया और उसमें कह दिया गया कि कोर्ट इसमें कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा, तो कोर्ट को बार कर दिया गया था। वो एक लंबी लड़ाई थी राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने की, फंडामेंटल राइट से, जो जाकर के 78 में हुई, उसको 44th अमेंडमेंट से आर्टिकल किसमें 300A में देख लीजिएगा, उसको एक लीगल राइट बना दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी को। पहले वो आर्टिकल 31 में होती थी, उसको हटा दिया गया। द थ्योरी ऑफ जस्ट वॉर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जस्ट वॉर की थ्योरी जो है 3 थिंकर ने दिया है, मैंने अपने गाइड से ही लेकर के दिया है। थॉमस एक्विनास, यहाँ पे सॉरी 2 बार लिखा गया है, ये होगा ह्यूगो ग्रोटियस एंड सैमुअल पेफेंडॉफ। यदि आपको ये पता है तो आप ये इसको आराम से टिक कर सकते हैं। ओह, सो फाइनली वी रीच टू द लास्ट स्लाइड, 97 नंबर क्वेश्चन, जेम्स मिल का हार्म प्रिंसिपल क्या है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होना चाहिए, इसको आप ग्रीन कर लीजिए। ये बेसिकली मैंने आपको बताया है, उन्होंने कहा था कि केवल एक ही इशू होने पे यदि किसी दूसरे का हार्म हो रहा हो तो आप किसी लिबर्टी को रोक सकते हैं, किसी के एक्शन को रोक सकते हैं। तो बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू अदर्स इज द ओनली ग्राउंड फॉर रेस्ट्रिक्टिंग लिबर्टी। तो यही हार्म प्रिंसिपल है, इसी पे उन्होंने अदर रिगार्डिंग और सेल्फ रिगार्डिंग का भी कॉन्सेप्ट दिया था। हार्म मतलब कि अदर रिगार्डिंग, यदि कोई लाउड स्पीकर बजा रहा है और उससे किसी हर्ट पेशेंट पड़ोसी को परेशानी हो रही है तो वो लाउड स्पीकर बजाना उसको रोक सकते हैं। लेकिन कोई यदि माइल्ड म्यूजिक बजा रहा है, थोड़े बहुत आपके कान में आ रहा है, आपको कोई हार्म नहीं हो रहा है, तो आप उसको नहीं रोक सकते हैं। ये हार्म प्रिंसिपल है। द नोशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैन वॉज क्वाइंड बाई, तो आपको ये एकदम बिल्कुल पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैन जो है ये हर्बर्ट साइमन ने क्वाइन किया था। उन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैन जो कि ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है, जो बाजार में नहीं पाया जाता, जिसको कि इकोनॉमिक मैन कह सकते हैं, वो एक सेटिस्फाइसर होता है, मतलब गुड एनफ डिसीजन ले लेता है, वो बेस्ट डिसीजन लेने के चक्कर में नहीं रहता है, वो मैक्सिमाइजर नहीं होता, मतलब वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजर नहीं होता है, वो यूटिलिटी सेटिस्फाइसर होता है। एक नया वर्ड ही क्वाइन किया था। क्यों सेटिस्फाइसर होता है? क्योंकि उसके पास टाइम, एनर्जी, इन्फॉर्मेशन के कंस्ट्रेन होते हैं, उसको एक डिसीजन लिमिटेड वे में, लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लेना होता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का जो कॉन्सेप्ट था ये हर्बर्ट साइमन ने क्रिएट किया, इस पर उन्होंने बुक भी लिखा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक साइलेंट स्प्रिंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया है एनवायरमेंट जब मैं पढ़ा रहा था कि रैचल कार्सन ने लिखा था 1962 में एक बुक साइलेंट स्प्रिंग, उसमें उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि कैसे डीडीटी जो है या पेस्टिसाइड जो है वो अर्थ को पॉइजन कर रहा है, मतलब स्प्रिंग को जो है वो साइलेंट किए जा रहा है और उससे ही एनवायरमेंट का काफी जो है, फिर क्लब ऑफ रोम ने लिमिट टू ग्रोथ लिखा और फिर बर्टलैंड रिपोर्ट आई सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो रैचल कार्सन एक तरह से जो है वो इस पे मूवी बनी थी, मतलब ये एक जनक है एनवायरमेंटल मूवमेंट के वर्ल्ड में, तो ये आप भूल नहीं सकते हैं। एंड फाइनल जो है इन्होंने एक रॉन्ग, मतलब इसका जो ऑफिशियल आंसर रॉन्ग है, मक्काली गोसाला, ये बिलोंग करते हैं आजीविका जैसे ट्रेडिशन को आप कह सकते हैं, या हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन जो सही वो है कि ये डिटर्मिनिज्म जिसको फैटलिज्म बोलते हैं उसके ये संस्थापक हैं, ये बिल्कुल सही है, आप इसको नेट पे चेक कर सकते हैं। वो एक तरह का फैटलिज्म क्या होता है कि जो होना है वो होगा, मतलब भाग्य में जो लिखा है वो होगा, हम कुछ भी कर लें वो नहीं है, सब कुछ जो है कॉस्मिक ऑर्डर से बंधा हुआ है और वो एक स्कीम के तहत हो रहा है, हम उसके बस कठपुतली मात्र हैं। तो ये डिटर्मिनिज्म जो है वो जो है मकैली गोसाला का है, लेकिन इसका सही आंसर तो डिटर्मिनिज्म होना चाहिए था, गलत इन्होंने जो ऑफिशियल आंसर बुद्धिज्म दिया है जो कि सही नहीं है। तो ये फाइनल आंसर है। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप DUET के प्रिपरेशन में पूरी तरह से लग जाएंगे, और यदि आपको पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और इस तरह से आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। प्लीज़ सवाल जो है छोटे छोटे पूछें और ऐसा ना पूछें कि सर मुझे इतना नंबर आया मैं क्या कम्पीट कर जाऊंगा, ये जवाब देना बहुत मुश्किल है, और ये भी ना पूछें कि सर आपके गाइड को पढ़ लेंगे तो क्या कम्पीट कर जाएंगे, इस टाइप के सवाल का कोई जवाब नहीं होता है। और यदि आपने, फिर से एक बार मैं याद दिला रहा हूं, यदि आप DUET की तैयारी कर रहे हैं तो इस गाइड को ले लीजिए अमेजन से आज ही, यदि अभी तक आपने नहीं लिया है, आपको बहुत हेल्प करेगा। ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस जो 1500 क्वेश्चन है वो भी डाउनलोड कर लीजिए। ओके, मिलेंगे बहुत जल्द DUET के अनदर पेपर के साथ में और टिप्स एंड ट्रिक के साथ, तब तक के लिए विदा।